के पेरेंट्स क्या एक दो चीजें मिस करते हैं बच्चों से पर्सनल कनेक्शन बना के रखना बेहद जरूरी है इस लेवल पे होना चाहिए कि आप बच्चों से और बच्चे आपसे हर बात खुल के कर सके। We have to realize कि वो एक जेन जी वाली चीज तो हो रही है वो एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में बड़े हो रहे हैं हमें उनको वो क्रेडिट भी देना है वो समझना भी है एक्टिंग Okay. और वो मुझे जैसे जैसे मैं करता गया ना तो मुझे लगा की इट अ वेरी वो तो रामजा को थोड़ा सा सिखाएं कि अच्छे से प्यार से बात करने <laughs> एक तरीका होता है जिस तरह फादर रोल्स में बात कर रहा हूं लोग समझते हैं मुझे अगर मैं हीरो बनाऊं तो मुझे किड रोल्स तो कोई नहीं कह रहा ये नहीं कह रहा बच्चा रोल्स कर रहे हो हम लोग जिस रिलीजन में है वो किसी को कभी कम कहता ही नहीं है और ये सबसे मॉडर्न बिलीफ है Yeah, कि आप true. बिल्कुल बराबरी में चले yeah. हाँ, शोहर को एक दर्जा दे दिया गया कहीं उसका ये मैगजीन मतलब hey आज मेरे मेहमान है जब मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि उनके नाना उनकी नानी उनके फादर उनके मदर कितने बड़े बड़े नाम हैं मुझे बिल्कुल नहीं था मैं अपनी काहली बोलूंगी अपनी नाहली बोलूंगी और मेरे जैसे मुझे लगता है और बहुत से लोगों के कि हम बहुत से लोगों को देखते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि उन्होंने और उनकी फैमिलीज़ ने कितना इंपॉर्टेंट रोल हमारी इंडस्ट्री में प्ले किया है आज जो मेहमान है वो भी एक ऐसी शख्सियत हैं अली ताहिर हमारे स्टूडियो में जिनको हम आजकल जैसे आपकी मर्ज़ी और राय जनून में देख रहे हैं लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो 28 साल से ज़्यादा इस इंडस्ट्री से मुंसलिक रहे हैं हम उनको मुख्तलिफ़ रोल्स में देखते रहे हैं उनका अल्लाह से कनेक्शन उनकी हम्बलनेस डिस्पाइट बिलोंगिंग टू सच इन्फ्लुएंशियल फ़ैमिली रियली इंप्रेस मी तो आज हम उनके जर्नी के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि अगर इंसान के पास इतने इंपॉर्टेंट रोल्स हों इतने इंपॉर्टेंट रोल मॉडल्स हों तो आपकी शख्सियत को कैसे इन्फ्लुएंस करता है वो आपकी ज़िंदगी को कैसे किस राह पे चलाता है आइए मिलते हैं अली ताहिर से उनसे कुछ गुफ्तु करते हैं असल हैं मैं ठीक ठाक आप कैसे हैं अल्लाह का शुक्र सो योर फा आपके फ़ादर तो नाइन तार हमारे hmm. बहुत मशहूर यू नो वेटरन एक्टर हैं आपकी अम्मी यासमी ताहिर hmm. वो रेडियो से मुंसलिक थी उधर उन्होंने बहुत अरसा hmm. आ, किया काम hmm. आपके नाना जो हैं hmm. वो इम्तियाज़ अली ताज सैयद hmm. इम्तियाज़ अली ताज वो राइटर उन्होंने अनारकली 1922 में लिखा था लेकुँ, और लेकुँ, आपकी लेकुँ. जो नानी है वो भी राइटर हिजाब इम्तियाज अली वो भी लिखती थी मैं एक छोटी समरी में करके आपकी फैमिली हिस्ट्री <laughs> दे दी है आ, इतनी नाहल नहीं है अपने नहीं ये तो मैं पढ़ के आई हूँ <laughs> तो मैं याद कर ये तो जैसे जैसे मैं पढ़ती बिकॉज़ अभी मैं आगे क्वेश्चन भी मेरे जब मैं पढ़ भी रही थी तो Uh, कुछ सवाल भी आ रहे थे जो हम जिस जिसमें hmm. हम बात करेंगे अभी hmm. आगे जाके बट इंटरेस्टिंग बात अभी ऑफ कैमरा uh, हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने इनसे पूछा कि क्या आप जाते थे रेडियो अपनी अम्मी के साथ hmm. या मैंने पूछा आप सुनते थे अपनी अम्मी को तो उन्होंने कहा हाँ मैं सुनता था हम जाते भी थे तो फिर मैंने ऐसी मैंने के ड्रामों के सर पर भी जाते होंगे अपने फादर के साथ मैंने कहा नहीं नहीं वो मुझे इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने कहा ये तो आपने बड़ी डिस्क्रिमिनेशन की है रेडियो और टी के दरमियान तो उसकी वजह है ना मैं मैं जैसे आपको बता ही रहा था अभी कि आई वॉज अ शाई मुझे ज़्यादा लोगों से मिलना वगैरह मुझे ना कोई शौक़ था उसका मैं अपने में मस्त एक बच्चा था uh, तो उस चीज़ में मुझे रेडियो ज़्यादा सूट करता था कि मैं प्राइवेटली बैठ कर आराम से सुन सकता हूँ इन द कार इन माय बेडरूम एनी वेट टेलीविजन के एक्सपोजर के लिए मुझे जाना पड़ता सेट पे वहाँ पे uh, 28 लोग इधर उधर फिर रहे हैं जिनको मैं जानता भी नहीं कोई खाम कर रहा है कोई वो कर रहा है आई डोंट वांट दैट इज So, ये अच्छा रेडियो वाज गुड ओके रेडियो बैठे में अम्मा रिकॉर्ड कर रही है मैं और मेरा थे? भाई ना हम लोग अ, मेरा जो मुझसे बड़ा भाई है मेहरान उसका नाम है वो मुझसे के 7 साल बड़ा है और अ, हम लोग बाहर चले जाया करते थे अम्मी के साथ गाड़ी में बैठ के जाया करते थे अम्मी अंदर चले जाती थी प्रोग्राम करने हम लोग बाहर बैठ के ना एक तो रेडियो सुना करते थे और साथ मेहरान जो था वहाँ पे एक नीम का दरख्त लगा हुआ था और नीम जिसे पंजाबी में त्रिकोनी भी कहते हैं त्रिकोने हाँ त्रिकोने वो बहुत बेटर होती है पता ही है जी जी बिल्कुल तो वो मुझे कह रहा था कि वो बेर है <laughs> और तुम तो अच्छा। तो ये ट्राई करो तो मैं रेडियो सुनते हुए ना वो खाता तो रहता था लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि अच्छा नहीं है क्या आप कड़वी खा लेते थे खा जाता था ओ oh, वाओ वो क्योंकि खुद yes. भी खाता था और वो वो खा के कहीं यहाँ की फसल माशाल्लाह मुझे नहीं पता <laughs> चल सका अच्छा� कि ये बेर नहीं है भाई ये नीम है लेकिन बड़े बहन भाइयों का ये होता है especially बड़े भाइयों का वो आपको या आपको वो आपको आपको बेवकूफ कुछ ना कुछ बना देते हैं और असल में दो तीन साल भी बड़े जो लोग होते हैं ना दो वो ये तो मुझसे छह सात साल बड़ा था मुझे लगता था कि भाई जो कहता है बिल्कुल सही है भाई ने कह दिया सही है

और uh, अम्मी जिस दौर से यू uh, नो you know, आई हैं उसमें एक uh, बहुत ही एक नाजुक पना खवीन में दिखाया जाता था अम्मी एडर हैवियर वॉयस जरा सी बेस में आवाज़ बट अ ब्यूटिफुल वॉयस तो मुझे ये चीज़ बड़ी लगती थी कि बाकी करनी और अम्मी की you know, एक यू नो एक डिफरेंट सी आवाज़ है एंड इज़ वेरी कंफर्टल विट एंड अम्मी वॉज ऑल्सो सम हु वुड कनेक्ट विद विद द लिसनर्स वेरी वेल तो वो चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी कि यार कैसे कनेक्ट कर रही हैं क्या क्या बातें कर रही हैं तो वो हाँ मी तो थी मेरी वो लेकिन शी हैड दिस मैजिक अबाउट हर प्रोग्राम्स कि मुझे भी सुनते हुए लगता था कि जैसे मुझसे बात कर रही हैं लॉट ऑफ पीपल यूज़ टू यू नो जिस तरह उसको कह रहे थे कि बोरियों की बोरियाँ ख़तों की आती थी मीँ बैठ के उन पर मार्क करती थी क्या क्या किसने कॉमेंट किया जिस तरह आप लोग तो शायद अब करते होंगे स्क्रोल करते हुए और डिफरेंट था वो करती तो आई सॉ दैट एंड आई सॉ हर एज अ वेरी हार्ड वर्किंग ब्रॉडकास्टर एंड अ वेरी सक्सेसफुल वन तो मुझे वो चीज़ जाहिर है बड़ी इंस्पायरिंग uh, लगती थी कि वाह इतनी सिंपल सी hmm. इंसान है वो बट हर आर्ट वॉज इंस्पायरिंग तो कभी स्कूल में कॉलेज में होता था ओ आप इनके बेटे हैं कुछ ऐसा द रिएक्शन यू वुड गेट आसपास के लोगों से दोस्तों से और टीचर्स से Uh, उस वक्त जरा सा मेरा ख्याल में इस फील्ड को ना okay. लोग कुछ कंफ्यूज थे लोगों को लगा था ये ट्रांजेशन का टाइम था transition का टाइम था और थी थी। उस वक्त जनरली यही समझाया था मतलब इवन जब टीचर्स भी करते थे मारे मारे पिटती थी स्कूल में तो उसमें ये बातें बोली जाती थी कि एक्टर का बच्चा और ये वो, वो चीज़ें होती थी कि बाल पकड़ के आपकी हाँ इस तरह की चीज़ें होती थी

इसमें आई नो दिज पीपल दे आर नॉट बैड पीपल दे आर नॉट यू नो मीन पीपल दे आर नॉट वेयर पीपल लोगों की अपनी एक सोच होती है और आप uh, उनकी सोच को यू hmm. नो you know, रिस्पेक्ट कर लें चाहिए hmm. आपकी अपनी जगह रिस्पेक्ट क्या क्या है hmm. आप लाहौर से बिलोंग करते हैं वहीं आप पैदा हुए और वहीं पढ़ा है आपने क्या किधर से पढ़ा है क्या पढ़ा है अगर आप थोड़ा समय मैं एक मिडिल क्लास स्कूल डीपीएस पी पब्लिक स्कूल से मॉडल टाउन में पढ़ा मैं आए वॉज क्रिकेटर वेरी वेरी पैशनेट क्रिकेटर वो बहुत शौक से खेलता था अकेला भी खड़ा होकर ग्राउंड में खेलता रहता था uh, खुद ही साथ साथ कॉमेंट्री भी चल रही है कि आए बॉल की किया निकाल के नो you कवर्स know, के बीच में से मार दिया इस तरह की चीज़ें चलती थी तो क्रिकेट का बेहद शौक था आ, क्रिकेट में एक्सेल भी किया पढ़ाई में कभी एक्सेल नहीं किया तो आ, क्या कॉलेज या स्कूल की टीम के लिए खेलते थे आप उसके लिए भी खेला गवर्नमेंट कॉलेज के लिए खेला अंडर 19 तक लाहौर डिवीजन oh, की पहुंच गया था या, okay. या 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 आई वाज अ सीरियस क्रिकेटर यानी कि सिर्फ शौकीन शौकी शौकीन तो सभी हैं बाईस करोड़ के 22 करोड़ शौकीन है हमारे यहां इसलिए छोड़ दिया क्योंकि एक टाइम पे मुझे लगा कि एक तो इसमें बहुत वो थे यू नो इधर से पर्ची आ गई वो हो रहा मैं उस तरह का था नहीं आई वुड रादर बी सेलेक्टेड ऑन माई ओन यू नो मेरिट मुझे ये चीज़ अच्छी लगती हालांकि मेरे पेरेंट्स इस सिचुएशन में थे कि शायद मैं वो इन्फ्लुंस क्रिएट कर, कर पाता बट आई didn't वॉन्ट टू go गो way. वे तो वो मैं आहिस्ता आहिस्ता ना जरा सा पुट ऑफ होके अबा ने भी एक टाइम पर कहा कि तुम्हारा जितना टाइम क्रिकेट में लग रहा है यू नीड टू चूज़ यू इधर स्टडी और और प्ले क्रिकेट तो मेरे लिए कुछ जी बिजली सी कड़की और मुझे yeah. लगा कि अच्छा यू अमाउंट ऑफ ट्रूथ आ गया yeah. उससे मैं कुछ डिसपॉइंट हुआ उस बात से एंड देन आई थॉट कि मैं पढ़ के देखता हूँ भाई नहीं क्रिकेटर है. बनता लेट्स सी क्या करूँगा मैं आई हैड अ थिंग फॉर नंबर्स तो मैंने बीएससी और एफएससी सारी यू नो साइंस साइड पे की डबल मैथ्स और स्टैट्स में बीएससी की वाओ wow. इंशाल्लाह <laughs> <में>, <laughs> पहले क्रिकेटर फिर डबल <laughs> मैथ्स एंड स्टैट्स में वो हमें तो सुन के कुछ हो रहा हां वो मुझे करते हुए भी काफी कुछ हुआ था Uh, फिर एम बी ए किया फाइनेंस में मैंने अच्छा मतलब वहाँ रुके नहीं आप नहीं नहीं, नहीं मैं तो चल पड़ा PhD था। तक जा रही है जो मुझे नहीं पता नंबर्स में मैं चल पड़ा था फिर मैंने एक एडवांस्ड फाइनेंस uh, uh, में मैंने एक uh, ये सर्टिफिकेशन किया है। हाँ बर्टले जाके मैंने एक सर्टिफिकेशन बर्टले से, से. Oh, wow, okay. वो तकरीबन आठ महीने का था वो so किया मुझे अभी भी याद है कि नंबर मेरी मेमोरी अच्छी है फॉर एग्जांपल द लाइट ट्रेवल्स वन टू नाइन नाइन फोर नाइन सेवन नाइन टू फोर फाइव एट ऑफेंस इन अ सेकंड ऑफ अ मीटर इन अ सेकंड इस तरह की चीज़ इस तरह की चीज़ें मुझे आई एम सॉरी मेरा सो so, आपका पहला मोबाइल नंबर क्या था <laughs> <laughs> मुझे याद नहीं है अपना पहला मोबाइल नंबर अच्छा यस मेरा यही था जो अभी जो आज है जो आज है से बहुत सालों से वो सिर्फ उसका वो पहले वो डिफरेंट था कोड डिफरेंट so, था तो पहला जो फोन नंबर लिया वो आज तक वही है अच्छा पता नहीं शायद ज्यादा लोगों के साथ होता हो मेरे साथ ऐसा नहीं मैं इन चीज़ों so, में बहुत पक्का रहता हूं जिस तरह मैं अगर अंडा सुबह खाऊंगा ना नाश्ते में तो वो एक दो दिन नहीं खाऊंगा ओके okay. सारी जिंदगी खाता जाऊंगा okay. उसी मजे से तो मेरी चीजें बड़ी परमानेंट होती हैं ओके नंबर भी इत्तेफाक से बड़ा परमानेंट है ऐसे ही रहा

आपने वो स्पेशल सर्टिफिकेशन भी की हाँ, वो की वो और उसके बाद फिर मैं मैं आके एक एक बैंक 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 में साल साल काम काम किया किया okay. ओके जिस की की आप बात कर रही थी, mm -hmm. इसी की चेन का था जिसमें मैंने ऑन क्रेडिट साइड ऑफ़ बैंकिंग और भर के बोर हुआ okay. भर के एहसास हुआ कि दिस इज़ आप आप था चोटे -चोटे रोल्स या, नहीं नहीं आई वॉज आई वॉज डूइंग लीड रोल्स उस वक्त उस वक्त मीडिया ये मैं बात कर रहा हूँ नाइन्टी एट की okay. uh, मैंने पहला सीरियल जो था वो नाइन्टी फाइव में किया था okay. तो उस वक्त, तक एज आई हैव बीन ब्लेस दैट वे के अलावा उस वो जो मशीन पर पीछे काम कर था जिसकी आप बात कर रही थी उस रोल के आई ऑलवेज गॉटन गुड रोल्स और um, शुरू भी मैंने दे वॉज सीरियल कॉल्ड रंजिश ऑन पी टी वी जो उसका का कामयाब सीरियल था उसमें आई गॉट अ वेरी गुड रोल फिर मैंने एक अजनबी रास्ते नाम से एक सीरील किया था वो आई डोंट सी इट एनी वेयर ऑन यूट्यूब और एनी वेयर आई प्लेड अ ब्लाइंड इन एट एंड आई थॉट इट वॉज अ वंडरफुल प्ले डायरेक्टेड बाई वन ऑफ द यू नो वेरी रिस्पेक्टेड डायरेक्टर्स कंवर आफ्ताब साहब होते थे okay, yeah, किया जीजी. था uh, ये नाइन्टी फाइव नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सेवन में हो रही थी चीज़ें 98 में मेरी शादी हुई 99 में आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ बैंकर और उस वक्त तक मैं ये कर रहा था चीज़ें तीन बटा तीन जो हमने किया वोग... था दैट वॉज ऑल्सो ड्यूरिंग आई वॉज अटा तीन तब साथ चल रहा था साथ के? चल रहा था तो मैं उसके साथ, साथ साथ दोनों चीज़ें कर रहा था आ, लेकिन मुझे भी एहसास हो गया और एक हमारे बैंकर थे उन्होंने नहीं एहसास दिलाया कि इसमें से एक चूज़ कर लो एंड आई थैंक हिम उस वक्त मुझे बुरा लगा था कि क्यों कह रहे हैं ऐसे वगैरह एक खाम खा के ईगो आ गया था बट आई थिंक ही वॉज और जिंदगी में मेरे लिए तो यही वर्क करता है कि मैं एक चीज़ पर hmm. फोकस करके करूँ अंडा इज एन एग्जाम्पल बट मुझे ये बताएं कि जब आप बचपन से था कि मैं एक्टर बनूंगा क्योंकि घर में नहीं बट एवरी वन अराउंड यू बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री राइटिंग या एक्टिंग डायरेक्शन hmm. या रेडियो से इवन योर ब्रदर फरहान जो है वो भी इसी फील्ड से तो

इस लिए नहीं, <laughs> <laughs> नहीं, वो आपको डिसकनेक्ट करने का एक बड़ा अच्छा मौका देती है From your real life. From your real life. न, और वही चीजें आप बहुत सारी योगा कर करा mm -hmm. कोशिश कर रहे होते हैं कहीं कनेक्ट कर जाएं यहाँ पे डिसकनेक्ट कर जाएं true. आप रिलीजन में ये चीज़ कर ही रहे हैं, रहते रहते हैं। तो वो मुझे उस हिसाब से थेरेप्यूटिक लगता है हुँ. कि इट गिव्स मी अ ब्रेक एंड इट आल्सो इन रिच मी कि मैं यू you नो know, अपने एक ट्रांस में निकल जाऊँ एक मोमेंट में yeah. तो वो चीज़ें मुझे एक्टिंग में बहुत एक्साइटिंग लगनी शुरू हो गई okay. और जैसे जैसे आप एक्ट करते जाते हैं वो वाकई आपके लिए हमेशा इट हैज़ टू बी समथिंग जो दैट यू आर लर्निंग यू कॉन्ट थिंक यू नो खत्म हो गया वो एक बहुत ही अपने आप को ख़त्म करने वाली बात है अपने आर्ट को या अपनी स्किल को एक्चुअली तो वो इसलिए मुझे बहुत ये थेरेप्यूटिक लगता था एक्साइटिंग लगना शुरू हो गया यू you नो know, एक इमेजिनेशन में जाना अच्छा लगना शुरू हो गया उससे आहिस्ता आहिस्ता फिर ये बढ़ते बढ़ते

बट आई डेंट नो गट नो एक्साइट मी देट आई वॉट टू लिव इन दीज थिंग वो फिर मुझे आई थिंक वर्किंग फॉर अबाउट पाँच छः सात साल फिर मुझे जाके कहीं ये एहसास होना शुरू हुआ कि यार ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है और इसको यू है करने की कोशिश हाँ, की वो मैं कर रहा हूँ तो अबा कभी नहीं कहते थे बीच में कि क्या कर रहे हो तुम इसको चूज़ करो नहीं करो उनकी तरफ से कोई गुफ्तु होती थी आपके साथ या नहीं 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 नॉट रियली really. अबा मेरे पेरेंट्स ना बहुत वो रहे हैं यू you नो know, शख्स आज़ादी के के यू you नो know, hmm. अलंबरदार जिसे कहते हैं तो दे वुड लेट मी बी अब्बा बहुत इंक्रेजिंग रहे हैं हमेशा से बेहद ही यूज़ टू लव माई वर्क फ्राम द फर्स्ट फ्राम डे वन क्योंकि उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया था एक स्टेज प्ले में और उससे उसके बाद से ही हैज़ ऑलवेज सेट दैट आई एम ए गुड एक्टर तो वो आपका बाप आपको इस ये mm -hmm. कह रहा हो वो एक बड़ी, बड़ी कंफर्टिंग बात है बड़ी बात है एंड समवन यू नो हु इज फ्रॉम द फील्ड आल्सो तो वो लगता है कि शायद सही कह रहे हैं कई दफ़ा ये भी लगता था कि यार शायद मेरे अब्बा इसलिए कह रहे हैं <laughs> पता नहीं मैं क्या पता बहुत ही बोंगा हूँ mm -hmm. अब्बा को बड़ा लग रहा है कि वाह mm -hmm. बच्चा क्या कर रहा है हो सकता है ऐसा लग रहा हो तो वो चीज़ें अच्छी तो थी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी थी लेकिन उन्होंने मुझे कभी कुछ गाइड नहीं किया इनफैक्ट अगर उन्होंने कभी मुझे कुछ कहा तो व्हेन आई वाज लीविंग बैंकिंग तो उन्हें कहा कि ना छोड़ो कीप बैंकिंग डोंट टेक एक्टिंग एज अ करियर कि बहुत ऊपर नीचे है hmm. और वो था भी बट आई थाट कि जिस तरह ग्रो कर रहा है मीडिया शायद मैं उस ऊपर नीचे के बावजूद सर्वाइव कर ही जाऊँगा hmm. तो रह गया जिंदा सर्वाइव भी कर गया हो गया ना, सही आ, रहा वो कई चीज़ें ना आपको आपके करियर के दौरान पता चलनी शुरू होती हैं तो मैंने yeah. कोशिश यही की कि, कि मैं साथ साथ सीखता जाऊँ वैसे कि पहले से एक चीज़ सोच के बैठा हूँ अट्ठाईस साल बाद की

तो टेलीविजन uh, के लिए मैंने आप प्ले किया था मैंने एक सीरीज़ uh, uh, की थी अपने नाना की राइटिंग्स पर okay. uh, क्योंकि मुझे लगता था जिसके जैसे आपने अनारकली का तस्करा किया कि लोग उनकी मोटी मोटी चीज़ें ना बहुत सारी जानते हैं अनारकली और चचा चक्कन दैट्स हिज क्लेम टू फेम पीपल डोंट नो हिज़ एंटायर बॉडी ऑफ वर्क सो आई थाट के uh, uh, अगर मैं वो uh, mm -hmm. ड्रामाटाइज करूँ या स्क्रीन प्ले उसका बनाऊँ तो कैसा रहेगा अब तो मैं मेरी हम टेलीविज़न से बात हुई और सुल्ताना सदीक साहिबा को मैंने पहली चीज़ जो बना के भेजी तो सुल्ताना आपा ने फ़ोन करके इतनी तारीफ़ें की कि आई वॉज़ रियली हम्बल्ड एंड यू नो आई आई थॉट कि अच्छा रियली really अच्छा बनाए उन्होंने कहा एक सीरीज़ बनाओ इस पर तो मैंने उनकी उनके वन एक्ट प्लेस की एक किताब थी उस पर बेस्ड मैंने उन सब के स्क्रीन प्लेस लिखे और उसको डायरेक्ट करके हम के लिए बनाया और वो एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज़ थी क्योंकि उसमें Uh, मुझे कॉमेडीज़ डायरेक्ट करने को मिली मुझे ट्रेजडीज़ डायरेक्ट करने को मिली सोशल ड्रामा यू नो हॉरर नहीं मिस्ट्री uh, mm -hmm. इस तरह मुझे तीन चार डिफरेंट उनके जॉनडर में काम uh, देखने का भी मौका मिला mm -hmm. उसे ड्रामेटाइज करने का मौका मिला डायरेक्ट करने का मौका मिला तो दैट इज़ समथिंग दैट आई थॉट हेल्प्ड मी यू नो अंडरस्टैंड डायरेक्शन किसी हद हाँ तक तो तब ये 2007-8 में मैंने किया था okay. uh, उसके बाद मैंने एक एक और सीरियल किया समझौता एक्सप्रेस के नाम से वो जो ट्रैजिक इंसिडेंस हुआ था बिटवीन ऑन दैट ट्रेन वो उस पर था फिर मैंने एक दो सीरियल्स और डायरेक्ट किए हम के लिए फिर मैंने एक मोहनी मैंशन की सिंड्रेलाएँ आप इंटीरियर सिटी लाहौर की बात कर रही थी तो मोहनी मैंशन की सिंड्रेलाएँ नाम से एक एक किया जो कि इंटीरियर सिटी में शूट हुआ जैसे आपसे बात भी हो रही थी बड़ी खूबसूरत जगह थी उसमें मैंने पहली दफ़ा उस वक्त तक मुझे डायरेक्शन का जिसे कहते ना चस्का और कीड़ा बढ़ता जा रहा था और मुझे और वो बढ़ ही इसलिए रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि स्क्रिप्ट बहुत मेनोटमस होते जा रहे हैं एक ही किस्म के स्क्रिप्ट सारे के सारे जो कि वैसे अभी भी शिकायत है अलग बात है लेकिन उस वक्त हो रहे थे और आ, मुझे लगा कि डायरेक्शन मुझे एक पूरी चीज़ को अपने तरीके से प्रेजेंट करने का मौका देती है आई कैन पिक माई ओन स्क्रिप्ट एंड एंड डू इट माई वे मोहनी मैंशन में मुझे ये समझ आई uh, कि किसी भी uh, सीरियल या फिल्म को बनाने के लिए प्रेपरेशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्री। और प्री प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन yeah. और प्री प्रोडक्शन में अलावा प्रोडक्शन की साइड को प्लान करने के एक्टर्स के साथ कनेक्शन करने का वो बेहतरीन टाइम होता है okay. और वो हमारी इंडस्ट्री में अब जीरो हो गई हुई है प्रैक्टिस दैट आई फील के बहुत बड़ी कमी है इसलिए एक्टर डायरेक्टर का जो रिलेशनशिप mm -hmm. बनना चाहिए वो कभी बन नहीं पड़ता इवन एक्टर्स का आपस में भी, भी मुझे लगता है। नहीं सेट पे पहले तुम मेरे बाप हो अच्छा तुम मेरे बेटे हो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए hmm. तो मैंने hmm. एक तीन दिन की वर्कशॉप की okay. उसमें मुझे ये समझ आई कि इट हार्डली कॉस्ट एनी थिंग और वो आपको प्रोडक्शन शूटिंग uh, के प्रोसेस में आपको इतना बड़ा जंप स्टार्ट दे देती है yeah. कि आप जब सेट पे पहुंचते हैं यू नो एग्जैक्टली व्हाट योर कैरेक्टर इज अबाउट यू आर विलिंग टू ओपन आर विलिंग टू एक्सपेरिमेंट तो वो चीज़ें मैंने इसमें करके देखी एंड आई थिंक दैट इज समथिंग जो हमारे सारे डायरेक्टर्स को सीखनी चाहिए दो तीन चार दिन हुँ. आप पहले लगा दें आसान हो जाएगा बहुत तो फिर हम आपको डायरेक्शन में अभी क्यों नहीं देख रहे हैं जिनकी डायरेक्शन की कुछ अच्छी बातें बात अच्छी लग रही हैं तो हम उन्हें क्यों नहीं डायरेक्शन में देख रहे हैं हाँ, नहीं, हम कुछ... क्यों नहीं, हम क्यों नहीं आपके इस टैलेंट से मुस्तफेद हो रहे हैं इस जगह पे उसकी एक वजह यह है कि मेरी एक्टिंग करियर में ना कुछ चीज़ें डिफरेंट होनी चुनि पिछले पांच सात साल में आई मूव इन कहते हैं ना और उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने की मैं पहले इतनी इतना फ्रिक्वेंटली आना पसंद ही नहीं करता था uh, अब दो दो चीज़ें तीन तीन चीज़ें कई दफ़ा इकट्ठी चल रही होती हैं uh, वो करना पड़ जाता है और uh, कई दफ़ा कैरेक्टर्स भी बड़े मीठे आ रहे होते हैं yeah. uh, मुझे कभी भी वो हीरो टाइप कैरेक्टर्स का शौक भी नहीं था आई वॉज ऑलवेज अ कैरेक्टर एक्टर तो मुझे इसमें ज़रा एक डिफरेंट फ्लेवर एक डिफरेंट यू नो टिकलिंग जहन में कहीं पे हुई एज 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 अ फ़ादर ऑन स्क्रीन तो मैंने काफ़ी टाइम इसको देना शुरू किया और पिछले चार पाँच साल में वाकई मैंने एक्ट ज़्यादा किया डायरेक्ट उस तरह नहीं किया अब फिर बहुत जी चार है कुछ चीज़ों पर काम भी कर रहा हूँ एक एक ओ टी प्लेटफॉर्म के लिए एक छोटी सी चीज़ कर रहा हूँ आठ एपिसोड और एक फिल्म पे काम कर रहा हूँ उसमें मैं शायद डायरेक्ट नहीं करूँगा बट आई विल बी डीपली इन्वॉल्व इन ऑन द डायरेक्शन साइड ओके चलिए आई होप आप जो हमारे ओ टी टी के अलावा जो चैनल है उधर भी कुछ आप डायरेक्ट करें करूँगा उनके लिए भी करूँगा जैसे जैसे उम्र मेरी बढ़ती जाएगी आई वुड वॉन्ट टू यू नो स्ट्रेंथन माई डायरेक्शन ऑल्सो मैं उसको थोड़ा सा और उस पर काम करना चाहता हूँ बेहतर करना चाहता हूँ और करना चाहता हूँ इंडस्ट्री और या स्मूथ रही है अभी तक नहीं एक्टिंग uh, कभी भी एक स्मूथ राइड नहीं होती है हुँ. वो um, हमेशा ही एक मुश्किल रास्ता होता है और मेरे लिए भी उसी तरह था आ, मुझे उस सारी चीज़ का एक हद तक फ़ायदा हुआ कि मैं सीद ममत ताज का नवासा और ये और वो जिसका लोगों को आजकल नेपोटिज्म भी बड़ा अच्छा एक फेवरेट वर्ड है ना अभी इस पर भी हम बात करें ज़रूर कर लीजिएगा <laughs> उस पर बड़ा फेवरेट वर्ड है आजकल का लेकिन आ, मेरी हमेशा उसमें यही टेक रही है कि ये चीज़ें ना एक्टिंग की फील्ड में आपको शुरू में किसी हद तक हेल्प कर सकती हैं पहली ब्रेक शायद चार चीज़ें बट यू लेव एन एट फॉर ट्वेंटी फाइव थर्टी फोर्टी ईयर्स एज एन एक्टर तो वो कितना हेल्प करेगा वो इट हैज़ टू डाए समेर उसके आगे अगर आप चल रहे हैं और अगर आप अच्छा भी काम कर रहे हैं तो वो फिर आपका ही काम है yeah. उसको True. वो डिसक्रेडिट किसी को करना गया yeah. उसका बच्चा उसकी बच्ची yeah. उसका बाप वो एक पॉइंटलेस चीज़ है मैंने भी इसी तरह लिया है और uh, मैं But सुनने को मिलता था हाँ no. तुम्हें तो इस वजह से दिया गया है ताकि तुम क्योंकि तुम इधर से बिलोंग करते हो बहुत बहुत, बहुत आपको सुनने, सुनने को मिला बहुत बहुत सुनने को मिला वो एक आम चीज थी और मैं इधर से सुन इधर से निकाल फारे मैंने कभी इस चीज को कोई भार नहीं लिया इस, नहीं। इस चीज़ इस चीज पे कि क्या 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 वाकई ऐसा है कोई अच्छा, भी उस चीज़ से अपने टैलेंट पे क्वेश्चन आपने नहीं किया बहुत से एक्टर्स कभी कभी करना शुरू कर देते हैं देखिए इस आर्ट के ना दो बड़े हिस्से एक टैलेंट जो अल्लाह ताला ने आपको दिए और एक स्किल टैलेंट आप में है ठीक है वो कोई नहीं ले जा सकेगा कोई ना मेरा कंपिटेटर ले जा सकेगा ना किसी का कोई कॉमेंट ले जा सकेगा नहीं ले जा सकता स्किल मैंने डेवलप करनी है ठीक है तो मुझे यही लगता था कि मैं अपनी स्किल पर काम करता जाऊँ करता जा करता जाऊँ बाकी अच्छा बनाऊँ नज़र आ जाऊँगा यार नहीं, नहीं। अच्छा हूँ लोग कह देंगे कि यार ये फारेगा आदमी अच्छा हूँ तो लोग कहेंगे यार बड़ा अच्छा काम किया है वो वो आपका डायलॉग याद है आपकी ये चीज़ याद है वो होगा ही वो कई दफ़ा हुआ कई लोग कई लोगों को कई चीज़ें नहीं भी अच्छी लगी होंगी आई डोंट क्लेम टू बी अ ग्रेट एक्टर

कॉन्स्टेंटली ऑफ़र्स होती रहीं पीपल वैल्यूड माए नो वट एवर टैलेंट आई हैड और वट एवर आई वॉज डूइंग वो मुझे लोगों ने बहुत ब्लेसड टू मै उनके हमेशा अप्रोच किया जो चैलेंजेज़ आते हैं ना मुझे लगता है एज एन एक्टर अगर स्किल या प्रोफेशन के तौर पर आप देखें तो उसमें सबसे बड़ा मुझे लगा कि ईच एंड एवरी कैरेक्टर फॉर मी हैड टू स्पीक ए डिफरेंट ओके लैंग्वेज बॉडी वाइज आपके अल्फाज में ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा लहजा कर रहा हूँ कि मैं नहीं कोई नहीं। मकरानी लहजा कर लिया या मैं कोई बलोची लहजा कर लिया आपके बात करने का तरीका आपकी जो एक एहसास है हर कैरेक्टर के लिए वो डिफरेंट होना चाहिए अब मैं इस चीज़ का बेहद बिलीवर रहा हूँ और मैं हर कैरेक्टर ज़िंदगी में उसकी कोई ना कोई मैंने चीज़ छोटी मोटी अपने हिसाब से डिफरेंट की है वो ज़रूरी नहीं कि मैं इतनी बड़ी दाढ़ी कर लूँगा ही तो मैं डिफरेंट बन जाऊँगा नहीं यार एक आदमी माथे पर बल डाल के बात करता है एक आदमी कभी माथे पर बल आने ही नहीं देता एक आदमी भावें उठा उठा के बात करता है छोटी तो छोटी चीज़ें कर सकता हूँ और छोटे डिफरेंसेस ही होते हैं लोगों में आमतौर पर तो अगर आपको एक्टिंग का या किसी कैरेक्टर का असल टेक्सचर चाहिए तो आपको इन डिफरेंसेस पे काम करना चाहिए ये आपके चैलेंजेस हैं मेरे हिसाब से okay. बाकी चीज़ें के लोग कभी कोई बुरा कमेंट करते हैं या यू you नो know, रोल नहीं मिल रहा वगैरह वो सब सब एक्टर्स को होता है वो मेरा ख्याल में दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफेशनल चैलेंज असल आर्ट का चैलेंज मेरे हिसाब से ये रहा है कि हर कैरेक्टर को डिफरेंट तरीके से करना कैसे करूँ क्या करूँ uh, मैंने अब पिछले पाँच छः साल से अपना प्रोसेस बहुत चेंज किया ओके। वो ये कि मैं अपने हमेशा कपड़े अपनी लुक मैं खुद कुछ ना कुछ सोच के डिफरेंट करूंगा मैं उसमें चाहे कोई एक छोटी चीज़ हो कोई जिस तरह ये गले गोल गले की पहनी हुई है नहीं। ये जैसे आपकी मर्जी की शर्ट है उसके लिए मैंने खरीदी थी दैट वॉज माई लुक फॉर इट कई आदमी इस तरह की चीज़ें पहनता है इसको वो कॉलर्ड वर्कर्स टाइप लोग नहीं पसंद है hmm. अभी मेरी अपनी सोच थी hmm. इस तरह के छोटे छोटे चेंजेस करता हूँ और वो चैलेंजेस मेरे मज़े के लगते हैं आई लाइक टू फाइट दैम आई लाइक टू यू नो थिंक डीपर छोटी छोटी चीज़ें देखूँ सर्व करके देखूँ फलाने ने क्या पहना फलाने ने क्या पहना अच्छा, आप करते इस किस्म के लोग क्या पहनते हैं okay. इस किस्म के क्या पहनते हैं वो मुझे बहुत मज़ा आता है और उससे मुझे लगता है कि मेरे लिए हमेशा एक डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज कैरी करने का मौका भी मिल जाता है अगर कोई बहुत ही जिस तरह कलंदर में था वो एक आदमी एक हाई ब्राउ काइंड ऑफ मैन के दूसरे सब छोटे हैं नहीं। नहीं। बात भी ऐसी करेगा कि क्या नहीं। मतलब है तुम्हारा बिल्कुल चल आदमी थिंकिंग के दूसरा कोई है ही नहीं ऑन दी अदर हैंड समन इन राहे जो वुड ऑलवेज बी लो ग्राउलिंग के भाई ये कैसे मेरे तुम कैसे कर सकते हो ऐसे कैसे कर रहे हो कराओ एक और किस्म की चीज़ तो मेरे हिसाब से ये छोटी चीज़ें मेरे लिए चैलेंज नहीं और मुझे ये मज़े के चैलेंजेस हैं चैलेंज जरूरी नहीं होता है कि आपको हमेशा एक मुश्किल में डाल दें वो मुश्किल में आप खुद अपने आप को डालते हैं चैलेंज किसी हद तक डालता है uh, लेकिन एज यू नो एज एज मुस्लिम्स हमें अल्लाह का शुक्र अदा करके उन चैलेंजेस पे नहीं ध्यान करना चाहिए हमें जो चीज़ आगे बढ़ाती है ना उस चैलेंज को कोशिश करना चाहिए उस पर ध्यान दें आपकी दो चीज़ें मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं विद रिगार्ड्स टू योर चॉइसेस ऑफ कैरेक्टर्स और या ये कि आप किस किस्म के कैरेक्टर्स ले रहे हैं या आप खुश हैं कि आपको जिस किस्म के कैरेक्टर्स मिल रहे हैं एक तो आपके फादर ने आपको छोटे रोल से स्टार्ट किया यू <laughs> नो you know, पहला ही कहीं बैकग्राउंड में आपको खड़ा करके बोला कि और ये भी कहा कि छोटे छोटे से स्टार्ट करो आहिस्ता <laughs> आहिस्ता <laughs> और यू सेड एज ए डायरेक्टर बड़ा इम्पॉर्टेंट था होता है ये क्योंकि फिर आप हर कैरेक्टर की इम्पोर्टेंस को समझते हैं उसकी वैल्यू और मुझे लगता है कि वो एज एन एक्टर ऑल्सो अगर आपने स्टार्ट किया हो तो कभी आप लीड या मेन पे भी कहीं बहुत बड़े भी पहुंच जाए तो आपको अपने आसपास पास के फेलो एक्टर्स चाहे वो छोटा रोल कर रहे हो बड़ा रोल कर रहे हो hmm. उनके लिए एक एहसास रहता है यू स्टिल बिलीव कि जितने नए एक्टर्स आ रहे हैं hmm. कहीं ना कहीं उनको हर किस्म के रोल्स ज़रूर करने चाहिए अपने करियर के शुरू में जिसपे स्क्रीन टाइम मे भी ज़्यादा या कम हो hmm. ताकि उनके अंदर ये एहसास डिवेलप हो सके मे बी देट इज़ मिसिंग इन टूडेज एक्टर करना चाहिए मैंने देखा एक्टिंग ना बहुत इस चीज़ पर फोकस करना शुरू हो गई है यू नो ये फील्ड Hmm. कि पहली ब्रेक कितनी बड़ी है yeah. पहली ब्रेक पहली ब्रेक ही है वो कोई आखिरी ब्रेक तो है नहीं उसके आगे क्या होगा आपको इस uh, को मेरा ख्याल में ऐसे अप्रोच करना चाहिए कि वाकई जिस तरह आप कह रही हैं हर किस्म की चीज करके देखें एज एन एक्टर आपको ये भी पता होना चाहिए कब मैंने तवज्जो लेनी है hmm. कब नहीं लेनी है विद इन अ सीन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कब अपने आप को आप यू नो काइंड ऑफ ब्लर कर दें और दूसरे को यू गिव द स्टेज टू दैट पर्सन दैट कैरेक्टर वो इम्पॉर्टेंट है चीज़ें दूसरे का एहसास ना एक्टिंग इतनी कलेबरेटिव चीज़ है कि उसमें आप एहसास के बग़ैर चल ही नहीं सकते अगर एहसास नहीं है तो आप फिर एक्टिंग ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि एहसास ही है जो आपको किसी कैरेक्टर से कनेक्ट कर रहा है एहसास ही है जो आपके इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स से आपको कनेक्ट कर रहा है आ, तो एहसास तो कभी भी एक्टर को नहीं छोड़ना चाहिए और मुझे लगता है कि छोटी बड़ी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती अगर आपको कोई चीज़ आगे बढ़ा रही है तो वो छोटी चीज़ भी कर लेनी चाहिए Okay. मतलब जो नए आने वाले हैं उनके लिए मेरा एक बहुत वाइज मशवरा होगा कि कर लेनी चाहिए क्योंकि एक्टिंग देखें हम क्यों करते हैं हम चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हैं डिफरेंट तरीके से बिल्कुल अगर मौका मिल रहा है तो क्यों उस चीज़ को छोड़ रहे हो यार क्यों एक टाइप की चीज़ अब जिस तरह फादर रोल्स की मैं बात कर रहा हूँ लोग इसको एज़ फादर रोल्स समझते हैं मुझे तो नहीं ये फादर रोल्स लगते हैं हाँ ये हैपन्स टू बी अ फादर ऑल्सो मतलब मुझे अगर मैं हीरो बनाऊँ तो मुझे किड रोल्स तो कोई नहीं कह रहा ये तो नहीं कह रहा कि बच्चा रोल्स कर रहे हो तुम नहीं एवरी कैरेक्टर इज़ ए कैरेक्टर और उसको ऐसे ही समझना चाहिए ना शर्माना चाहिए ना घबराना चाहिए कि वो हो अब तुम हीरो नहीं बन सकोगे हाँ भाई मैं चाहता भी नहीं था हीरो बनना hmm. मैं कैरेक्टर ही कर रहा था मैं वही करता रहूँगा जिस दिन मूझे डाढ़ी उतार दूंगा आई इन लोग यंगर आई कैन डू एनी अदर कैरेक्टर और दुनिया भर में आज के दौर में हम लोग बड़े ब्लेस्ड हैं जो मेरी उम्र के लोग हैं कि मिडिल एज लोगों की का राज है इस वक्त hmm. हर इंडस्ट्री में आप देख मेरा ख्याल में इसको फादर रोज ये रोल जितने हम लोग वो टाइप कास्ट चीज़ें करना शुरू करते हैं वो नहीं करनी चाहिए ये फील्ड ही ऐसी है कि इसमें आप जंप ऑफ करके यू नो एक नई चीज़ में जाने की कोशिश करें उसकी तरफ ध्यान रखें थैंक यू सो मच मुझे सबसे अच्छी बात आपकी ये लग रही है दैट यू ओनिंग योर रोल्स एंड आई जस्ट लव दिस यू नो ओनरशिप वेयर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने रोल्स में और आपने इतनी प्राउडली उनकी बात की है लाइक एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट थाट प्रोसेस जो मैं यहाँ देख रही हूँ एंड आई एम होपिंग कि वो नए लड़के लड़कियाँ जो सुन रहे हैं वो इसी तरीके से उनके रोल्स चाहे उसमें स्क्रीन टाइम जैसा भी है चाहे उनका रोल कितना पावरफुल या नहीं है या कितना यू you नो know, जिस तरह का भी उसको ओन करें और उसमें hmm. इतना ही इन्वेस्ट करें hmm. और उसको बिल्कुल अंडरमाइन नहीं करें बिकॉज दैट इज़ वन थिंग दैट आई एम यू नो आई एम लुकिंग एट योर थाट प्रोसेस आप अपने रोल को अंडरमाइन नहीं कर रहे हैं योर नोट यूर नॉट से ओ जस्ट बिकॉज इट्स अ फादर तो बस साइड का नो यू यू पेइंग आप उसको उतनी ही रिस्पेक्ट दे रहे हैं उतनी ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं hmm. तो विच इज़ सो ग्रेट बिकॉज मुझे ये लगता है जब ये आना शुरू होता है तो आस के लोग भी उसको उतनी इंपॉर्टेंस देंगे डायरेक्टर भी देगा राइटर भी देगा प्रोड्यूसर भी देगा इवन ऑडियंस विल गेट मोर इन्वेस्टेड और ये सब अपनी वैल्यू खुद करने से आता है विच आई एम सीइंग हाँ नहीं मैं तो बहुत ओन करता हूं एंड आई आई ऑलवेज फॉल इन लव विद ऑल द कैरेक्टर्स आई डू डू एंड आई थिंक दैट्स द ओनली वे टू गो आपको अगर उससे शदीद प्यार ना हो चाहे वो बदतमीज़ आदमी है चाहे वो बुरा आदमी है जो भी है बट एज एन एक्टर आपकी ये ड्यूटी है कि यू फॉल इन लव विद दैट पर्सन क्योंकि उस बंदे को नहीं पता है कि वो बुरा है या अच्छा है या जो भी है सही, वो वो तो अपनी वो, एक उस पर रहा है जिस तरह आप उस पर जैसे आपकी मर्ज़ी की बात कर रही थी उसमें मैं उसको कभी ऐसे नहीं लिया कि यार ये बड़ा ईगो है इस आदमी का ये तो छोड़ ही नहीं रहा मैंने इस तरह लिया कि नहीं भाई वो यही बिलीव करता है वो इसी में जाएगा उसके लिए वो ईगो की बात नहीं उसके लिए वो प्रिंसिपल्स की बात है तो आपको एक प्यार होगा तो फिर आप उसकी अच्छी जस्टिफिकेशन बनाएंगे उस आदमी के लिए वजह से कि आप उसको नेगेटिवली जज कर रहे हो कि ये इकोटिस्टिकल इंसान है नहीं आप समझें ये आदमी असूलों का पक्का है तो अपने रोल या अपने कैरेक्टर से ना वाकई प्यार करना चाहिए उसको कभी जज नहीं करना चाहिए आई हेव न जज एनी कैरेक्टर एंड देट साउ आई वॉन्ट टू डू इट और ओनरशिप की आपने बात की थैंक यू फॉर सोइंग दैट हाँ मैं बहुत ही दिल से करता हूँ और मैं फिर कोशिश yeah. करता हूँ कि मैं एक एक कमीज़ mm -hmm. एक एक चीज़ जाके मैं अपनी खुद लूँसूम yeah. <laughs> मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि आप ये करें तो मुझे आपके कैरेक्टर्स की ज़्यादा वैल्यू आ रही है आई एम आई एम आई एम सीइंग द हार्ड वर्क बिहाइंड इट सो आई एम वैसे भी हम अप्रिशिएट कर रहे थे हम <laughs> कॉन्वर्सेशन <Our conversation laughs> का हिस्सा रहे आपका आप एज अ एज अ फादर वाला रोल हमारे रिव्यूज़ का बट अब ज़्यादा हम उसको अप्रीशिएट करें एक और चीज़ जो मुझे सेकेंड चीज़ जो मुझे आपकी बहुत इंटरेस्टिंग uh, लगी विच आई थाट कुड ऑल्सो भी समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल कैन लर्न फ्राम वॉज पूरा जब आपका प्रोसेस था अल्लाह से कनेक्शन Mm -hmm. और उस कनेक्शन के थ्रू इस बात पे खुश होना कि भाई मेरे लिए ये रोल्स हैं mm -hmm. ये चीज़ है मैं खुश हूँ जैसे आपने पहले भी बोला और बहुत दफ़ा आप कह चुके कि मैं नहीं कर रहा लीड रोल्स लेकिन mm -hmm. जो मैं कर रहा हूँ मैं उस पर खुश हूँ mm -hmm. और उसमें एक बहुत बड़ा रोल इस बात का था कि आपने आपको समझ आ गई कि अल्लाह ने आपके लिए क्या राह चूज की है यू वेंट थ्रू अ प्रोसेस अगर hmm. आप उसके बारे में कुछ कहना चाहें शेयर करना चाहें मुझे मुझे वो बहुत वो मुझे जाके कनेक्ट किया था वो चीज देखिए अल्लाह से कनेक्शन ना इंसान की स्ट्रेंथ होती है जी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि हमेशा से था या एक पॉइंट पे आके आपने उसको ज्यादा डेवलप किया या वो ज्यादा हो गया नहीं ये पिछले 5 6 साल में ज्यादा हुई ओके okay. और अल्लाह के अपने तरीके हैं अपना ज़हूर कर अपने जहूर के और आपको एहसास जगाने के हम लोग सब मुसलमान हैं बाई डिफ़ॉल्ट लिविंग इन पाकिस्तान लेकिन uh, दीन को समझना ना आपको आपकी हर चीज़ परस्पेक्टिव में ले आता है uh, अगर कोई मेरी ह्यूमिलिटी की तारीफ करेगा तो उसकी सारा क्रेडिट ही ये है कि मेरा ध्यान अल्लाह ताला पे है और उस पर उससे जो कनेक्शन है वो मुझे कंपेल करेगा कि मैं एक बंदे का बच्चा बन के रहूँ मैं ये ना समझना शुरू हो जाऊँ कि हाँ यार बस मैं कर लेते हैं हम टाइप मैं चीज़ ना बन जाऊँ तो वो अल्लाह से कनेक्शन आपको आ, मेरा ख्याल में ना एक्टिंग आपका आपका छुड़वा सकती है ना कोई भी छुड़वा सकता है वो कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है उसी से हर चीज़ विल फॉल इन प्लेस और मुझे इस चीज़ ने बड़ा हेल्प किया पिछले आठ दस साल में कि आप दीन को सही समझ लें तो बाकी सारी चीज़ खुद होगी आप ऑनेस्टी से काम करेंगे आप आ, हर लम्हे को वैल्यू करेंगे आप क्रिएटिविटी को को वैल्यू करेंगे तो मैंने कोशिश ये की है कि मैं वो दीन को समझते समझते अपनी ये ड्यूटी समझूं कि मैंने एक्टिंग को भी अपनी इम्प्रूव करना है अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सारी स्किल्स दी होंगी टैलेंट दिया है आ, उसको मैंने पॉलिश करके आ, दिखाना है नहीं। क्यों नहीं आ, क्या पता मुझ में कई ऐसी चीज़ें हों जो जो शायद सामने ना आई जो मैं जानना चाहती हूँ ये कि जब अल्लाह से कनेक्शन को आप फिगर आउट कर रहे थे या उस रस्ते पे चल रहे थे तो ये एक्सेप्टेंस कहाँ से आना शुरू की कि ये जो है मेरे पास जो मुझे मिल रहा है या मुझे इस राह पे चलना है एक्टिंग की इन्हीं तरह के रोल्स मुझे करने हैं एंड आई एम हैप्पी विद ये कनेक्शन कहाँ ये ये समझ का क्या प्रोसेस था इस एक्सेप्टेंस का क्या प्रोसेस था और वो क्यों हाँ, हुआ? हुआ? मुझे एक टाइम पर ना कोई दो तीन महीने के लिए डिप्रेशन हुआ और उस चीज़ ने मुझे बहुत आ, चीज़ें समझाई अल्लाह से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग किया और निकला भी उससे उसी के उसी की वजह से बाहर में और आ, उस फेज़ ने मुझे ये भी समझाया कि ये दुनिया जो है ना ये एक टेस्ट का सिलसिला है और वो टेस्ट दो चीज़ों का है या आपके सब्र का है या आपके शुक्र का है तो वो शुक्र का टेस्ट आप कभी भी फ्लंक ना करें Okay. वो आपको साथ साथ शुक्र करते रहना चाहिए अल्लाह ताला हमेशा अपर्चुनिटीज़ आपको देगा ये आपका काम है कि आप मेक द बेस्ट ऑफ दोज आपचुनिटीज़ यस अगर आप कर रहे हैं तो मुझे वो चीज़ वहाँ से समझ आई कि ओके कई चीज़ें शायद जिस तरह कई यू नो हीरो एक्टर्स कर रहे होते हैं कई चीज़ें उनको मिल रही हैं बड़ी फिल्म हो गई हिट हो गई बहुत अच्छी बात है गुड फॉर देम वो उनकी एक ऐसी चीज़ थी जो शायद मैं नहीं कर सकता जिस तरह हमायों से ही जो कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता हूँ बट ऑन द अदर साइड जो मैं करता हूँ हमायों से ही नहीं कर सकता इट्स नॉट के आई एम अ बिग एक्टर अल्लाह ताला ने हमें डिफरेंट बनाया है अल्लाह ताला की क्रिएटिविटी का सिलसिला यही है कि हर चीज़ डिफरेंट है सही आप एक टोन दो, दो दफ़ा रिपीट नहीं कर सकते नहीं। कोई हवा का झोंका दो दफ़ा रिपीट नहीं होगा यू नो एवरी मोमेंट इज़ डिफरेंट तो वो एक क्रिएटिविटी का प्रोसेस है उसी तरह उन्होंने डिवाइड किया हुआ है इंसानों में भी तो वो चीज़ जब आ, समझ आनी शुरू हुई ना कि यार हर एक के लिए डिफरेंट है तो फिर क्या घबराना है फिर क्या मस्त है ओके okay. ठीक है तुम्हारा ये है इसमें बेस्ट करने की कोशिश करो वो तो भी क्या आपने आप एक्सेप्ट कर लिया कि अल्लाह की तरफ से जब आप ये कह रहे हैं ना कि अल्लाह ने डिफरेंट बनाया तो आपने वो अल्लाह की एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जब वो एक्सेप्टेंस आ गई तो एक सुकून आ गया एक डायरेक्शन मिल गई एज मुसलमान वी हैव टू सबमिट टू गॉड तो मुझे लगा कि कि उनका जो प्रोसेस है ना वो मुझे इनरिच कर रहा है तो मैं बस ब्लाइंडली उनकी बात मानता जाता हूँ मैं जो कह रहे हैं सही है और उस चीज़ का फ़ायदा ही हुआ मुझे कभी भी नुकसान नहीं हुआ एज ए पर्सन आई आई एम एप्पी पर्सन मैं कभी अलावा उस डिप्रेशन के पीरियड के आई हैव नेवर फेल्ट डिप्रेस डैट डी यू फील ग्रैटिट्यूड या सेटिसफैक्शन होना या सेटिसफाइड होना या इतमान रखना ज़िंदगी में या पुरातमी होना एक प्रैक्टिस है एक प्रोसेस है एक आदत है जो हमें कॉन्शसली अपनानी पड़ेगी जिसकी हमें जिसकी हमें आदत करनी पड़ेगी कुछ लोगों को नैचुर आ जाती है वैसे आ, मुझे नेचुरली कुछ थी लेकिन आपको हमेशा बिल्ड करना पड़ता है उसमें Okay। आपको वो चीज़ ना बार बार एक विरद सा अंदर रहना चाहिए कि जो आपकी चीज़ है वो आपको मिल रही है okay. आप खुश रहें इसमें okay. आ, क्योंकि नानी एक आ, एक एम्बिशन बड़ा रखना हमेशा फिर उस एम्बिशन को फॉलो करते हुए अपनी रात की नींदें ख़राब करना अपने रिलेशन्स ख़राब करना अपना ये ख़राब करना वो ख़राब करना इट्स टू बेक अ कॉस्ट, सिंपलर वे इस कि जो आपके पास है उस पर शुक्र गुजार रहो और आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करो नहीं। नहीं। लेकिन आगे बढ़ने को अपनी जिंदगी का मकसद ना बना दो okay. ग्रो करने को जरूर करो बनाओ एज अ पर्सन, एज एन आर्टिस्ट एज अ फादर एज अ सन एज अ फ्रेंड वो जरूर करो yeah. uh, बाकी बस अल्लाह का शुक्र अदा करते चाहिए okay. <laughs> आपकी नानी जी जो वो लिखती थी और डायरी भी लिखती थी एक जमाने में आपने कहा आपके नाना की डेथ के बाद हुँ. और आप कहीं कह रहे थे कि आप वो लिखती थी कि आज इतने दिन हो गए हैं हाँ वो हर रोज़ लिखती थी कि आज आठ साल छः महीने तीन दिन हो गए मेरे टी को गए और टी यू कहती थी अपने हस्बैंड को मेरे नाना को ताज साहब को ताज से शॉर्ट टी आ, उनका मर्डर हुआ था तो वो चीज़ उन्हें बहुत जाहिर है हिट की आपका स्पाउस मर्डर हो जाए कोल्ड ब्लड यू नो स्टैबिंग से और वो किस वजह से अपेरेंटली uh, उसकी वजह ये थी कि uh, जिस इदारे में वो काम कर रहे थे उसको हेड कर रहे थे और उसमें कुछ अकाउंटेंट्स ने कोई खुद बुरद की थी और ही वॉज़ द वन हु सूट दम और uh, पता ये चलता है कि जिस दिन उनका मर्डर हुआ है उससे एक दिन पहले उनको uh, uh, उसके एक दिन बाद उन्हें विटनेस करना था अदालत में तो समझ यही आती है कि वो शायद फाइनेंशियल एम्बेजमेंट का केस था वो माफिया था उन्होंने उनको मार दिया लेकिन ज़ाहिर है वो चीज़ हमारे लिए एक फैमिली ट्रेजडी रही course, yeah. आ, मेरी नानी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वे रोज़ लिखती रही hmm. उन लोगों का एक बड़ा कनेक्शन था एक बड़ी एक खूबसूरत उनकी एक लव स्टोरी थी वेरी यू नो किताबी टाइप जिस hmm. तरह आप कहते हैं ना बुकेश Uh, किताबें एक दूसरे के नाम हो रही हैं फॉरवर्ड दिखे जा रहे हैं ये प्रोजेक्ट उनके सोच के किया ये किया वो किया इस तरह की उनकी चीज़ें थी टिपिकल राइटर्स लव आई वुड से लेकिन नानी मेरी बड़ी शानदार और स्ट्रॉग इंसान थी और uh, पहली मुस्लिम पायलट भी थी मुस्लिम फर्स्ट ब्रिटिश एम्पायर की फर्स्ट मुस्लिम पायलट भी थी uh, हमारी फैमिली उस हिसाब से बहुत uh, निडर रही है hmm. हम लोग नए नए एरियाज़ में ना जाते रहे हैं गोइंग इन टू यू नो फ्लाइंग प्लेन इज इज़ अ वेरी डिफ इज़ अ स्ट्रेंज आइडिया इन नाइनटीन थर्टी फाइव उस टाइम तो हाँ उस टाइम पे तो हम लोग एक्सपेरिमेंट्स uh, करना जिसे लोग चैलेंज कह लें या एक्सपेरिमेंट मैं कहूँगा ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड है तो एक्सपेरिमेंट करने में बिलीव करते रहे नानी ने भी यही किया और uh, नाना भी मैंने देखा है कि वो सिर्फ राइटर नहीं थे ही वॉज ऑल्सो ब्रॉडकास्टर ही वॉज ऑल्सो डायरेक्टर ही हैड प्रोड्यूस्ड फिल्म कई बड़े बड़े एक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया यू नो इंक्लूडिंग नूरजहाँ मैडम नूरजहाँ उनको भी एक्टिंग में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो हम लोग हमेशा से अराउंड द फील्ड ऑफ आर्ट्स एक्सपेरिमेंट्स करते रहे नानी का मेरे बचपन पर बहुत इन्फ्लुंस रहा लेकिन आई थिंक शी लेफ्ट टू सून आई आई विश यूज देयर यू फील द प्रेशर कि ये चार नाम है मुझे इन चारों की इज़्ज़त रखनी है मैं स्लिप नहीं कर सकता नहीं। no. नहीं। कभी कभी स्क्रिप्ट uh, राइटिंग में मुझे ये फील होता है कई दफ़ा okay. मैंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में बात करा था, बहुत सारी आधी चीज़ें लिख के रखी हुई हैं लेकिन वो सब लोग ही रखते हैं वो सब के ना आधे आधे प्रोजेक्ट्स कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट्स कोई ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं इसमें कभी कभी ख्याल आता है कोई ऐसी चीज़ ना लिखूँ यू नो इतने बड़े ताज साहब का नाम और हिजाम तजली का नाम और ये वो वो कई दफ़ा फ़ील हुआ है लेकिन मैं ज़्यादा प्रेशर लेने वाला आदमी नहीं हूँ क्रिकेटर के तौर पे मुझे ये चीज़ समझ आई okay. कि प्रेशर में गेम नहीं होती है गेम yeah. प्रेशर के बगैर होती है yeah. फिर आप अच्छा खेलते हैं okay. तो वो प्रेशर नहीं देना चाहिए yeah. आ, मैंने वो प्रेशर नहीं दिया कभी मैं अपने आप को समझा के दिया होगा अल्लाह मुझे yeah. मैं शायद कर सकता हूँ yeah. और मेरा एक, एक ख़ास हद है मेरी क्रिएटिविटी की ना मैं कोशिश ही कर सकता हूँ कि बैरियर ब्रेक करूँ लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं शायद कोई बहुत ही आइकॉनिक चीज़ कर रहा हूँ कोई ज़रूरी नहीं है yeah. हमें एक और चीज़ राब बचपन से ही सिखाया जाता है कि आपने अमेजिंग होना है hmm. आपका ए प्लस आए एक्सलेंस हो जॉब yeah. करो तो सी ही बन जाओ hmm. और क्यों हम इतने ज़बरदस्त हर इंसान अगर बन जाएगा तो आवाम कौन होगी hmm. आप आवाम का हिस्सा क्यों नहीं हो सकते आप एक एडिक्वेट म्यानर हवी के लेवल पे भी रह सकते हैं इट्स इट्स ओके इसलिए उस चीज़ को मान yeah. के चलना yeah. चाहिए हाँ कामयाब हो जाए बहुत बड़ी जबरदस्त बात है लेकिन उस चीज़ से डरना नहीं चाहिए hmm. मैं जिस तरह पढ़ाने का मुझे इतफाक हुआ पिछले आठ दस साल में और मैं एक्टिंग और डायरेक्शन और प्रोडक्शन पढ़ाता रहा और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ कि मीडियोकर होने से मत डरो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है तुम्हारी फिर भी अपनी स्पेस है

ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि हम लोग ही पुश कर रहे होते हैं अपने आसपास हर किसी को खुद को भी शायद अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के ये साथ ये पेरेंट्स में नज़र आती है टीचर्स में नजर आती है सोसाइटी में हर तरफ नज़र आ रही होती है कि बहुत ए प्लस हो भाई तुम सारे ए प्लस कहाँ होते हैं किसी भी क्लास में आप देख लें होते हैं सब ए प्लस नहीं होते कोई फेल कर रहा होगा कोई बीच में होगा कोई बहुत ऊपर जा रहा होगा इट्स ओके उसका शायद स्किल सेट कोई और होगा जो फेल कर रहा है जो थोड़ी कि चार किताबें रट्टा लगालना ही आपकी

अच्छा अब 22 साल की आज मेरी बेटी 22 साल की है उस टाइम पे उन्होंने लिखा उ, उस टाइम पे उन्होंने वो कर रहे थे गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े थे आ, एक पेपर हो रहा था उसी के दौरान जब उन्हें ख़त्म कर लिया उन्हें ख्याल कुछ आने शुरू हुए जिस तरह क्रिएटिव आदमी के होते हैं तो उन्हें आइडियाज़ पेपर पलट के ना दूसरी साइड पर कुछ आइडियाज़ नोट कर लिए और वो फ्रेमवर्क बन गया उनकी कहानी का और अनारकली उन्होंने लिख डाली पहले वो पाँच छः साल प्रिंट ही नहीं हुई नो बड़ी थाट के यार ये भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि प्रिंट की जाए वो प्रिंट हुई और उसके बाद से आ, आज तक वो एक क्लासिक ही समझी गई hmm. उस पर फिल्म का एक सिलसिला शुरू, hmm. yeah. शुरू हो गया उस पर स्टेज प्रोडक्शंस का एक सिलसिला शुरू हो गया उस पर लोग इतना बात करना शुरू हो गए लोग ये समझना शुरू हो गए कि अनारकली

नाना ने खुद से क्रिएट की थी सॉरी मैं बहुत बहुत बेवकूफ़ बात नहीं जहरानाबाद लेकिन मुझे पता नहीं है एंड दैट एंड आई आईसो थाट के यू नो इट्स लाइक वन ऑफ द इवेंट्स जो हुए होंगे मुगल एम्पायर में ने, ने, जिसको हम लोग देखते हैं तो जब मैं सुन रही थी तो मुझे ये इतना फैसिनेट किया मैंने कहा इसको मेरे शो में जरूर कैप्चर होना चाहिए ताकि ये हिस्ट्री का हिस्सा बन जाए वो एक फिक्शनल कैरेक्टर उन्होंने डिवेलप किया और उसको कनेक्ट ऐसे कर लिया कि वो कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा बना दिया एक सल्तनत का कि हिंदुस्तान का बादशाह है जाहिर है सो मच एट स्टेक पूरी एक सल्तनत है इधर यू नो कहाँ से कहाँ तक उसकी सल्तनत जा रही है और उसका बेटा जो है वो एक रेबल सा बन गया है और उसके उसको प्यार हो गया एक कनीज़ से अब वो उन्होंने उसका जो सेटिंग रखी वो ये कि कोर्ट में वो कहीं पे उसे देखता है परफॉर्म करते हुए कनीज़ें यू you नो know, डांस भी करती थी गाने भी गाती थी प्रेजेंट करती थी इस तरह के क्रिएटिव वर्क्स तो वो उसको उस दौरान उससे बहुत प्यार हो जाता है आज ये हमें चीज़ बहुत दकियानुस्सी और पुरानी फील होती है लेकिन दैट इज़ आवर ही फॉल्स इन लव विथ हर लेकिन अगर वो आप स्क्रिप्ट पढ़ें तो उसमें जो सिम्पलिसिटी है इन दोनों के कनेक्शन की hmm. वो बहुत खूबसूरत है वो एक ह्यूमन लेवल पे कनेक्शन है okay. ना नार्कली कह रही सोच रही है कि दिस इज़ सो सेटल्ड हाँ। मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी ना वो ये सोच रही है हाँ। ना वो ये सोच रहा है कि ओ हॉट गर्ल वो ये नहीं सोच रहा है वो वाकई उसकी पे आ, पे जा रहा है आ, दूसरी तरफ अकबर जो है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि यू नो इफ माय फेवरेट सन जिसके लिए मैंने इतनी दुआएं की हैं मन्नतें मांगी हैं ये वो वो अगर आ, सल्तनत को संभालने के के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है वो यू you नो know, किसी एक टेंजेंट पे अलग से निकल जाता है तो मेरी सल्तनत क्या होगा hmm. तो वो एक बड़ा सा एक स्टेक बना दिया उन्हें बैकड्रॉप में okay. जो कि मेरा ख्याल बड़ी स्मार्ट राइटिंग थी hmm. अनारकली उस वक्त आई थिंक नाइनटीन में पहली चीज इस पर बनी थी okay. uh, एक uh, फिल्म थी द प्रिंस द लव ऑफ अ मुगल प्रिंस और वो एक जर्मन कंपनी ने बनाई थी इंग्लिश में थी हाँ साइलेंट फिल्म थी ओ ओके आई यू नो दैट अच्छा उस टाइम पे बनी थी और उसमें ताज साहब वाज आल्सो एक्टिंग इन इट ओके ही प्लेड द कैरेक्टर ऑफ अकबर अच्छा तो वो उस वक्त से जो शुरू हुआ तो 1950 60 70 30s अब इवन आप देखें इंडिया में जोधा अकबर जो बनी दैट इज आल्सो अराउंड दैट थिंग अराउंड दैट दैट आईडिया आ, तो वो एक बिल्कुल ही लाजवाल चीज़ बन गई जिस तरह शेक्सपियर की कई चीज़ें ऐसी हैं जो आ, लिखी हुई है ख़ास टाइम की हैं उसकी लैंग्वेज भी डिफरेंट है लेकिन उनकी एक खास डेप्थ है और बड़े राइटर का कमाल ये होता है कि वो टेस्ट ऑफ टाइम पास कर जाता है तो आज अब तकरीबन तो सौ से ज़्यादा साल हो गए लिखे हुए दो हज़ार तेईस है आज भी हम लोग अनारकली की बैठ के बात कर रहे हैं मेरा भाई फारान उसका ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि वो नारकली फिल्म के लिए बनाए, बनाए। आज के हिसाब से बनाए एंड ही हैज ग्रेट आइडियाज एंड ही इज वर्किंग ऑन इट और इंशाल्लाह okay, वो एक दिन कर गुजरेगा मैं कोशिश करूंगी मैं जाके किताब ढूंढूं एंड आई वांट टू रीड इट नाउ आफ्टर लिसनिंग टू यू इतनी कोशिश करने की जरूरत नहीं आई कैन सेंड यू हां प्लीज आई वुड लव मुझे आपसे बात करके ना मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है मैं पढूं क्यों कैसी लिखी हुई होगी और नहीं पढ़े बहुत अच्छी लिखी है मेरे बचपन के एक्टिंग के इन्फ्लुएंसेस में एक ये भी है अब्बा वाज प्लेइंग शहनशाह अकबर और उनको मैं लाइन याद कराया करता था अच्छा। तो शुरू के एक इन्फ्लेंसिस में ये भी, ये भी मेरे बहुत इम्पॉर्टेंट रहा क्योंकि मुझे याद है कि उनकी टोन्स वगैरह बिल्कुल डिफरेंट एकदम से हो गई थी मैं सोचा था कोई अच्छा अब्बा इस तरह बोल रहे हैं क्या हो गया लेकिन वो ज़ाहिर है जब आप एक पूरी सल्तनत के बादशाह बने हुए आपकी पर्सनैलिटी की कि बैकग्राउंड ही डिफरेंट है तो वो चीज़ मुझे उस उन रीडिंग्स में नज़र आनी शुरू हुई एंड आई आई ऑल्सो फाउंड के कि लिखा हुआ बहुत खूबसूरत है एक एक वर्ड ताज साहब का कमाल ये था कि एवरी वर्ड वॉज़ यू नो वेड वेरी केयरफुली ही वॉज हिम सेल्फ एन एक्टर सो ही वुड राइट एंड कट इट आउट अगेन एंड देन राइट अगेन कि बोलने में क्या आसान आ रहा है तो अगर आप पढ़ें भी ना उसे और अगर आपको उर्दू लिटरेचर की समझ हो तो आपको बड़ा वो वाकई लगता है कि इतना मीनिंगफुली लिखा हुआ है इतने वज़न में लिखा हुआ है इतने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि चीज़ें कन्वे बड़ी अच्छी हो रही हैं

Um, कहीं कहीं हम देखते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है बच्चों के पास ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आके माँ बाप से वो बात कर सकें hmm. माँ बाप का क्या रोल है क्या दो तीन चीज़ें आपको लगता है माँ बाप आर यू नो आर इग्नोरिंग या वो भूल रहे हैं उस चीज़ को या मिस कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे लगता है एक चीज़ तो पेरेंट्स uh, uh, उठान के वक्त ना hmm. वो क्लोजनेस पैदा ही नहीं करते है। जो अमीर पेरेंट्स हैं hmm. वो क्या करते हैं इधर उधर लोग रख लिए इनको को ग्रूम करने के लिए कोई एक मेड रख ली कोई एक ड्राइवर है जो आ जा रहा है ट्यूशन रख ली वो एक पर्सनल कनेक्शन ही नहीं बनाते okay. तो एक बच्चों से पर्सनल कनेक्शन बना के रखना बेहद ज़रूरी है okay. आपके देखें आ, दोस्ती के के लेवल पे आपका बच्चों से होना बहुत ज़रूरी है इस लेवल पे होना चाहिए कि आप बच्चों से और बच्चे आपसे हर बात खुल के कर सकें मेरे ख्याल में वो एक कामयाबी है क्योंकि जितना डिस्टेंस आता जाता है ना हुँ. वो चीज़ वी हैव टू रियलाइज़ कि वो एक जेन जी वाली चीज़ तो हो रही है बिल्कुल. वो एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में बड़े हो रहे हैं हमें उनको वो क्रेडिट भी देना है हुँ. वो समझना भी है हम लोग अगर पेरेंट्स हैं हम वी आर यू नो वी माइट माइटज विल बी वाइज वी शुड अंडरस्टैंड कि अब डायनामिक्स डिफरेंट हो गई यार आज के दौर में अब हमें चीज़ों को कैसे लेके चलना चाहिए तो वो एक जब तक हम उनके साथ वो दोस्ती और वो कनेक्शन ना बना के रखें वो इतना बड़ा गैप आ जाएगा कि वो फिर हर चीज़ में जाहिर होना शुरू हो जाता है वो शादियाँ अपनी मर्ज़ी से करेंगे तो हम ऐसे हो जाएंगे हाउ डेयर यू टाइप भाई क्या है वो शादी करना चाह रहा है या करना चाह रही है वो उसकी मर्जी है और वो आज के दौर में ही नहीं किसी भी दौर में वो चीज़ अच्छी चीज़ है वो अपनी मर्ज़ी से शादी करे उसी ने ज़िंदगी गुजारनी है करियर पिक करना है यू डोंट हैव टू फोर्स योर सेल्फ यू डोंट लेट दैट पर्सन यू नो ब्लॉसम वो अपनी मर्जी से जब करेगा तो बेहतर करेगा आप वो ट्रस्ट तो डिवेलप करें वो कनेक्शन डिवेलप करेंगे फिर ट्रस्ट डिवेलप होगा तो मुझे लगता है डिसकनेक्टेड बहुत रहते हैं बच्चों से एक ये बड़ा मस्ता लगता है मुझे दूसरे फिर वो एक्सिलेंस वाली चीज़ मैंने पहले भी बात की कि हमेशा हम बड़ा चाह रहे होते हैं अपना बच्चा की तोप चीज़ करके दिखा अनरियलिस्टिक प्रेशर वो छोटी सी पिस्टल भी बन जाए वो छुरे yeah. छुरे भी बन जाए वो कुछ भी बन जाए वो बहुत अच्छी बात है भाई वो उसकी और भी तो अच्छी चीज़ें होंगी उस, उस पर ध्यान दो हर चीज़ प्रोफेशनल कामयाबी तो नहीं है लाइफ में इसलिए वो पेरेंट्स को भी वो एक इतमान रखना चाहिए कि बच्चा बच्चे की कामयाबी क्या है बच्चे की कामयाबी और आपकी कामयाबी एज़ पेरेंट्स ये है कि आप उसको एक अच्छा इंसान बनाएं आप उसकी वै, उसका वैल्यू सिस्टम अच्छा रखें वो पक्का रखें बाकी अल्लाह ताला ने ऐसे हमारे अंदर डाली हुई हैं ये मोहब्बत पेरेंट्स की बच्चों से और बच्चों की पेरेंट्स से भी कि वो खुद ही बाकी चीज़ खुद ही सेट हो जाएगी अगर हम ये एक दो चीज़ें मुझे लगता है इस चीज़ का ख्याल करें कि हम वो रिस्पेक्ट उन्हें भी दें तो वो वापस ही मिल जाती है फिर ज़्यादा कनेक्शन अच्छा बिल्ड होता है अब बच्चों की तरफ से आपको क्या लगता है एक दो चीज़ें जो आजकल के बच्चे उनको भी करना चाहिए क्योंकि देखिए दोनों साइड में जहाँ माँ बाप की बात करते हैं कि अगर वो कुछ चीज़ें हैं जिसको वो इम्प्रूव कर सकते हैं बेहतर कर सकते हैं तो बच्चे भी यहाँ पे कुछ ना कुछ वॉट डू यू थिंक कि उनको एक्स्ट्रा एफर्ट या उनको एक दो चीज़ें करनी चाहिए कि उनका भी माँ बाप के साथ रिश्ता ज़्यादा बेहतर हो या वो माँ बाप को कहाँ समझने में गलती कर जाते हैं कहाँ समझने में आ, उनसे थोड़ी सी कमी हो रही है बच्चों से बच्चे जो है ना वो उनमें एक काफ़ी चीज़ में देखिए कॉमन सी वो ये है कि नहीं आपको नहीं पता टाइप हो गया कि हमें ज़्यादा पता है okay. ये एक ऐसी ट्रेट है जो लाइफ में आपको हमेशा नीचे ले जाती है जब आपको लगना शुरू हो जाता है कि आपको ज़्यादा पता है yeah. ना पेरेंट्स को ऐसा सोचना चाहिए ना बच्चों को सोचना चाहिए तो एक चीज़ तो ये बहुत नज़र आती है कि नहीं इनको नहीं पता है वी आर एक्सपोज टू सो मच हमें ये इसका भी पता है इसका भी पता है इसका भी पता है बाप सही बात नहीं कर रहा है hmm. वो विजडम हम एज एज किड्स एसोसिएट करना शुरू हो गए हैं जो चीज़ें हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो एक अलग बैकग्राउंड के साथ बात कर रहे हैं वो आपके सर्कमस्टांसिस नहीं है इसलिए जो आपके इर्द गिर्द हैं वो इन ऑल प्रॉबलिटी स्मार्टेस्ट लोग शायद आपके पेरेंट्स हों शायद hmm. वो चीज़ एटलीस्ट शायद के लेवल पे जरूर रहनी चाहिए okay. एहतराम उनके होना hmm. चाहिए ताकि आप उनसे लर्न करें okay. और अगर वो नहीं भी कोई बात सही कर रहे तो उस पर विद्रॉ करके ना बैठ जाए मैं देखा बच्चे बहुत जल्दी विड्रा भी कर जाते हैं दैट अगेन ब्रेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन दैट कनेक्शन तो बच्चों का मुझे लगता है एक अजीब सा ईगो आ गया है इन्फॉमेसन के हवाले से कि हमें बहुत पता है इन लोगों को उस तरह पता नहीं है आ, वो चीज़ कई चीज़ों में अच्छी है कि आपको शोर कर देती है कई चीज़ों के बारे में कई चीज़ों के मामले में बहुत ख़राब साइड पे आपको दे जाती है रिस्पेक्ट भी कम हो जाती है रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट भी, ले भी ले कम हो जाती आप है रिस्पेक्ट नहीं करते और मैं कहीं पिछले दिनों सोच रहा था कि आज के दौर में सोच नहीं रहा था सुन रहा था किसी आदम को कहते हुए कि देखिए हम हम लोग बहुत इन्फ्लुएंस हो गए हैं वेस्ट से uh, हमें लगता है कि गोरा सही कहता है ये काफ़ी हद तक हमारी जनरेशन में तो बहुत ही रहा आपके बच्चे तो फिर भी बेहतर हैं वो गोरे से निकल के वो या तो फार ईस्ट के विजडम पे जा रहे हैं या यू नो और चीज़ों को भी देख रहे हैं लेकिन एक, अप, एक आपका अपना विजडम भी होता है उस पर हमेशा रिलाई करना चाहिए हर इलाके का अपना विजडम है जो सेट्स ऑफ स्टांसिस uh, you know, के हिसाब से बना हुआ है तो उसको वैल्यू uh, करना चाहिए मैंने रिसेंटली एक आलिम से सुना कि हमारे यहाँ और वेस्ट uh, के थॉट प्रोसेस में एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि वहाँ पे तमाम रिलेशंस बेस्ड हैं ऑन फ्रीडम हमारे यहाँ जो रिलेशनशिप्स हैं और जो सोसाइटी है वो बेस्ड है uh, मरातब पे hmm. uh, जिसमें हया का एक एलिमेंट आ जाता है तो वो दो डिफरेंट डायनामिक्स हैं सोसाइटी की चल रही हैं yeah. और ये चीज़ें दो छोटी हैं अगर आप समझ लें लेकिन इससे इतना बड़ा फ़र्क आ जाता है कि हम oh. आ, उस चीज़ को जब बाहर लग तो अच्छी रही होती है yeah. उसमें हम ये भूल जाते हैं कि हम हम लोग दिस इज़ वॉट वी ब्रिंग फॉरवर्ड वो अच्छी बुरी नहीं है yeah. उसमें बहुत सारी अच्छाइया हैं उसमें भी बहुत सारी अच्छाइयाँ okay. तो हम हमारे सेट ऑफ सर्कमस्टांसिस डिफरेंट हैं इसलिए हमें एक कम्बाइंड विजडम को समझने की ज़रूरत है Uh, फिर हम ग्रो भी करेंगे सिर्फ वेस्ट ऑब्सेस्ड होना सिर्फ एक साइड से ऑब्सेस्ड होना दुनिया बड़ी खुल चुकी हुई है अब ज़हन भी खोलने की ज़रूरत है हम लोग एक दूसरे को देख, देख के ज़्यादा सीखते हैं और उसमें पेरेंट्स एक बहुत बड़ी हमारे पास नेमत है जो अल्लाह ताला ने दी हुई है हम लोग इस चीज़ को अगर वैल्यू करना शुरू हो जाएँ तो मैं आज के बच्चे उस सोच से निकल आएंगे कि यार आप तो पेरेंट्स आप तो करना ही था ये आपने तो यू नो दैट वॉज योर ड्यूटी नो इट वॉज आर ड्यूटी हाँ ठीक है हमें करना चाहिए था क्योंकि हमें प्यार बहुत है अल्लाह ताला भी कहता है लेकिन हम लोग नहीं भी कर सकते थे वो भी hmm. हमारा इरादा था इख्तियार था हमारा नहीं भी है? कर सकते थे hmm. वो चीज़ बच्चों को भी रियलाइज़ रे, करना बहुत ज़रूरी है तो मुझे लगता है एक एम्पति hmm. की चीज़ है जो तो, hmm. जो बच्चों की साइड से ज़रा सी जिसमें कमी आ गई भी एज अ फादर आपने क्या कुछ चीज़ें कॉन्शियस एफ़र्ट की कि मैं अपनी बेटी को ये ये चीज़ें मैं चाहता हूँ कि उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा हूँ मैं उसको ये एक्सपीरियंसेस देना चाहता हूँ कि कल जब वो इस सोसाइटी का हिस्सा हो तो एज अ वूमेन वो इन चीज़ों को ये उसके पास ट्रेट्स हों ये स्ट्रेंथ्स हों ये एम्पावरमेंट हो उसके पास मेरे लिए एज अ पेरेंट ना हमेशा से ये इम्पोर्टेंट रहा कि मैं उसको इंडिपेंडेंस की सोच प्रोवाइड करूँ हमेशा जो वो कह रही है विद इन दैट उसका विजडम समझने की कोशिश करूँ कि वो क्या कह रही है uh, कोशिश यही करूँ कि उसकी अपनी जो सोच है ना उसको डेवलप करूँ बजाय से कि मैं अपनी सोच डालूँ uh, मेरी सोच तो एक हद तक ही उसके जहन में रहेगी उसकी ज़िंदगी का मेजर हिस्सा इन एनी केस मेरे बगैर गुजरेगा इन ऑल प्रॉफिबलिटी तो उसकी अपनी सोच अच्छी स्ट्रॉग होनी चाहिए yeah. उसकी सोच को समझ के मैं बिल्ड करने की कोशिश करूँ तो मैंने एक तो इंडिपेंडेंस और फ्रीडम की उसे कोशिश की हर तरह से मैं अपॉर्चुनिटी दूँ उसको डिफरेंट एक्सपीरियंसिस कराऊँ यू नो फ्राम स्विमिंग टू कराटे टू दिस एंड दैट टू रीडिंग स्टाफ म्यूज़िक सुनने के लिए इवन एक्टिंग के लिए मैंने हर चीज़ में कोशिश की कि उसे मैं ऐसे एक्सपीरियंसिस दूँ कि उसके सामने इतनी एक बड़ी प्लेट हो अगर उसकी सोच अच्छी है तो फिर वो सही चीज़ पे करके चल पड़ेगी yeah. तो उसकी अपनी सोच मेरे हिसाब से उस पर मैंने काम करने की कोशिश की मैंने उसे ये चीज़ समझाने को की कोशिश की कि वो किसी से कम नहीं है और कोई भी किसी से कम नहीं है ये हमें समझ नहीं आती है हम लोग कई दफ़ा डिप्रेशन वगैरह में इन चीज़ों के सचे जाते हैं कि वो किसी से कम नहीं है अगर ज़िंदगी के कुछ इंसान को प्रिंसिपल्स बनाने पड़ते हैं उनके साथेर करना पड़ता है और उन्हीं पर चलना चाहिए कई ऐसी चीज़ें जो मुझे लगा कि वो आज मेरी किसी बात को शायद बुरा समझती हो बिकॉज शी इज़ टिकिंग विद सर्टन प्रिंसिपल्स एंड आई हेड रिस्पेक्ट दैट अगर प्रिंसिपल उसका सही है mm -hmm. तो फिर ठीक है वो सही जगह खड़ी है mm -hmm. mm -hmm. हो सकता है उसका सेट ऑफ प्रिंसिपल्स थोड़ा सा मुझसे डिफरेंट हो गया हो लेकिन वो अपनी जगह फिर ठीक है mm -hmm. और लाइफ सिखाती है उसको ये मार्जिन मैं देना चाहता हूँ mm -hmm. कि वो भी सीखेगी वो कोई तैयार बनी बनाई गुड़िया मेरे पास आके नहीं पेश कर दिया अल्लाह ताला ने मुझे एक बच्चा दिया था मैंने उसको एक अच्छा इंसान बनाना है वो बनाने की कोशिश है और वो अच्छा इंसान है आई एम वेरी हैप्पी शी इज़ अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन शी इज़ आर्टेड मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी लगी आपने कहा कि वो भी सीखेगी hmm. और कोई बना बनाया परफेक्ट मुझे अल्लाह ने नहीं दिया तो देट यू आर रेडी कि वो गलतियाँ करेगी or was seeking but you are there for her i think I that's very i'm always important. there for her till the day i die how much uh, how much is that ye jo ladkiyon ke liye sab वैसे तो हम मुझे लगता है सोसाइटी में एज अ एज अ पर्सन वेदर आप लड़का है या लड़की है ये चीज सुनने को मिलती है डिफरेंट उसमें कि लोग क्या कहेंगे कोई ना कोई एस्पेक्ट माशरे का जिंदगी का जिस पे आप सोचते हैं लोग क्या कहेंगे कोई ना mm -hmm. कोई एक्शन पे आपके जहन में ये आता है बट लड़कियों को ख़ुत को ये ज़्यादा सुनने को मिलता है और ज़्यादा कॉन्शियस होती है उनसे रिलेटेड इशूज़ को आपने अपने पेरेंटिंग के प्रोसेस में इसको कितना रखा कितना बैलेंस किया या ये एक चीज़ आपने उसको हमेशा बेफिक्र की कि वो लड़की है तो उसको वो सर्टेन चीज़ें नहीं कर सकती या उसको हमेशा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे नहीं नहीं बिल्कुल मैं कभी भी लोगों की बात की परवाह नहीं की मैंने जिंदगी में चाहे वो कोई बुरा कमेंट उस पर आ रहा हो फेसबुक पर चाहे कोई जानने वाला कह रहा हो या कोई भी मैं उन चीज़ों में बिलीव नहीं करता उन चीज़ों का कोशिश यही करनी चाहिए वो जिस मैं कहा ना इधर से उनके उधर से निकाल दें अब मैंने मैंने क्योंकि ख़ुद कोई फ़र्क नहीं समझा नहीं। मर्द और औरत में एक नेचुरल फ़र्क है जी। वो तो कोई उसमें उसमें ना कोई बुरी बात है आ, वो तो एक खूबसूरती है और मुझे ये नहीं लगा कभी भी जिंदगी में मेरी फैमिली भी शायद इस तरह की खुद ही सोच की रही औरत या लड़की यू नो फीमेल किसी तरह से भी कम है मर्द से या या वो ज़्यादा है दोनों चीज़ें ही हमारे यहाँ वो मिसोजनिस्टिक सी सोच नहीं रही लेकिन सोसाइटी में पाई जाती है बिल्कुल सोसाइटी में पाई जाती है आ, वो चीज़ आज भी मैं अगर देखो मेरी बच्ची को बहुत बुरी लगती है उसे उसे तो इवन ये लगता है कि मैं कितना मिसोजनिस्टिक बातें करता हूँ okay. <laughs> और वो छोटी छोटी बातें मतलब कोई अब तो खैर अल्लाह माफ़ करे बच्चे इतने क्रिटिकल हो गए हैं छोटे छोटे अल्फाज में दिल से अब फादर वाली बात हाँ कि भाई मैं कोई नहीं अल्लाह माफ़ करें मैं नहीं हूं। मैं नहीं समझ रहा कि <laughs> मैं, मैं कहीं ऊपर हूँ आप भी जितना मैं ऊपर हूँ आप भी उतने ही ऊपर <laughs> हैं मैंने कभी भी वो नहीं कहा लेकिन आज के दौर में लोग चीज़ें ज़्यादा पिक करना शुरू हो गए वो दैट दैट सेंसिटिविटी आज के बच्चों को दे हैव टू कम आउट ऑफ इट कि चीज़ों को जरा आपको ज़्यादा रैशनली और ज़्यादा वे करके देखना पड़ता है अगर मैंने कोई एक बात कर दी जो मेरे यू नो वैल्यू सिस्टम कहीं या मेरा 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 फेल उसको इंडोर्स नहीं कर रहा तो फिर आप इस तरह की चीज़ ना करें तो मैंने उसको तो यही हमेशा आ, ये एहसास दिया कि वो किसी से कम नहीं है और है भी नहीं कोई भी इंसान किसी से कम नहीं है, नहीं है। हम लोग जिस रिलिजन में हैं वो किसी को कभी कम कहता ही नहीं है तो हमें भी इस बात पे ही और, और ये सबसे मॉडर्न बिलीफ है कि आप बिल्कुल बराबरी में चलें जिस तरह मर्द औरत के और बारे में भी कहा जाता है कि कभी इस्लाम भी नहीं कहता है वो हमेशा कुछ मरतपे देता है हाँ शौहर को एक दर्जा दे दिया गया कहीं आ गई बात तो वो एक डिफरेंट बात हो रही है नहीं। उसका ये मतलब कि मर्द सुपीरियर है नहीं, नहीं मर्द एज अ शौहर बात हो रही है नहीं। नहीं। उसी तरह औरत एज अ माँ उसको एक और ही बहुत बड़ा दर्जा दे दिया गया तो वो हमें यही समझना चाहिए कि हम लोग डिफरेंट कैपेसिटीज़ में बड़े छोटे हो जाते हैं लेकिन हम लोग बिल्कुल बराबर हैं हमारे लिए हर चीज़ में बराबर अपॉर्चुनिटी है अगर मेरी नानी 1935 में जहाज़ चला सकती हैं तो आज की बच्ची क्यों नहीं चला सकती या आज की बच्ची कुछ भी क्यों नहीं कर सकती या लड़की या औरत क्यों नहीं कर सकती वो वो एक मिसोजनस्टिक सोच है मर्दों की और उसमें से मेरे में वो मर्दों को ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत है और औरतों को भी उसमें एक बैलेंस रखने की ज़रूरत है क्योंकि कई दफ़ा हम इवन फेमेलिज़म के नाम पे ना हम लोग ये समझते हैं कि बंदे तो होते ही बुरे हैं ये है फेमेज़म ये तो फेमेजम नहीं है

चाह क्या रहे हैं अब्बा अली मुझे मुझे जैसे अब अब वो टॉपिक तो आप कर चुके हैं कि वो ईगो का इशू नहीं है उसका ही बिलीव्स के ये प्रिंसिपल्स हैं और वो ये कर रहे हैं मुझे लगता है कि बस उन्होंने ना अपनी बेटी के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं वो इतना हार्श आते हैं इतना सख्त आते हैं कि hmm. वो अगर मुड़ के आना चाह रही हो तो वो उसको काफ़ी टाइम लगा उसको वापस आने के लिए hmm. तो वो हम लोग सोच रहे थे कि अब्बा थोड़े से नरम दिल हो सकते थे थोड़े से इधर उसको ज़्यादा फैसिलिटेट करते उसको ज़्यादा वो रास्ता खुला रखते कि वापस आ सकती है अली से हाँ कर सकते हैं देखें इस तरह की जो पेरेंटल सिचुएशंस होती हैं ना वो उसमें वाकई कई दफ़ा कुछ लोग बड़ी वो लगता है कि हार्श चीज़ें अपेरेंटली कर रहे हैं इस कैरेक्टर का भी एहतम साहब जो हैं वो लगता तो है कि ऐसे कर रहे हैं मुझे जब मैंने पढ़ा था स्क्रिप्ट मुझे एक चीज़ इनकी लगी थी कि एहताम की सिक्स सेंस बहुत तेज़ है Okay. अगर वो देखें तो इस स्टोरी में बहुत जल्दी वो ये उन्हें ये फीलिंग होनी शुरू हो गई थी ये कुछ है चक्कर hmm. शरीर जो है ना सही नहीं है hmm. उन्हें ये लगना शुरू हो गया था तो वो सिक्स सेंस उनकी बहुत तेज़ है कई लोगों की सिक्स सेंस इतनी वाकई तेज़ होती है कि वो आगे की चीज़ पहले इमेजिन कर जाते हैं या उसमें बिलीव करना शुरू कर देते हैं तो मुझे लगता है एहताम भी यही कर रहा है और उससे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसे एक ख़तरा महसूस हो रहा है क्योंकि वो एक बड़ा उस तरह का आदमी जैसा फादर मैं किसी हद तक वो उस तरह का आदमी है सो आई कुड कनेक्ट विद डैट कैरेक्टर इन सर्टन वेज़ कि एक तो वो बच्चियों को कहीं कम नहीं समझता है तो ना वही सोच जो जिसकी मैं बात कर रहा था उसे लगता है कि ये बराबर है आ, एक मियाँ अपने आप को दूसरे पे मुसलत कैसे कर सकता है कैसे अपने अपनी मर्दानगी को दूसरे के लिए एक सप्रेशन का सोर्स बना सकता है और मेरी बेटी जिसने ये वैल्यूज़ नहीं सीखी हैं वो कैसे सप्रेस हो रही है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत हर्टफुल चीज़ है और उससे ये लग रहा है कि मुझे आगे फ्यूचर में नज़र आ रहा है कि क्या होने वाला है और मैं आज वो कड़वा घूंट पी के मैं अपनी बच्ची के लिए ये चीज़ यू नो इन ब्लैक एंड वाइट कर दूँ कि बच्चे खड़ा होना है तो इस साइड पर खड़ा होना है खड़े होने की जगह आपकी हमेशा सही होनी चाहिए आप गलत जगह पर नहीं खड़े हो सकते अगर आप बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बच्ची बहुत वो हिल रही है कभी शरीर अच्छा है कभी वो ये है कभी वो है कभी वो है तो फॉर अ पर्सन लाइक एहतम इज़ वेरी स्टेबल और सिक्स सेंस शार्प है तो वो उस चीज़ को प्रसू कर रहा है वो चीज़ वाकई देखने वालों को लगता है और मैं पढ़ता भी हूँ कि भाई बाप को क्या हो गया है ऐसे बाप कहाँ होते हैं और क्यों होते हैं और क्या कर रहे हैं वगैरह वो लोग कह रहे हैं आ, लेकिन मेरा काम यह है कि मैं उस कैरेक्टर से प्यार करूं इसलिए मैं यही देखूंगा कि ये कर क्यों रहा है क्या कर रहा है और क्यों किया उसने वो चीज़ें राइटर ने लिख दी हुई अनफॉर्चुनेटली मेरा उसमें कुछ इतना अमल दखल है नहीं बट आपको लगा रा जुनून और इसमें दोनों में कुछ एक्शन वो बहुत ही एक्सट्रीम पे बहुत ही अनरियलिस्टिक से लग रहे थे लगता है आपको इस बात पे तो आप एग्री करेंगे दोनों में है जैसे वो अलीजे का जब वो जाता है उसको एक टाइम पे गाड़ी पे वो दोनों अलीज़ो और शहरी बाई खड़े होते हैं उसको उसका हाँ खात्मा करता से कहता अभी चलो अभी चलो सो आई वुड सी गिवन आर कल्चर एक mm. बाप जाके पहले शायद किसी बड़े से बात करें आराम से बात करें वो उधर mm. गाड़ी पे पोच में ही खड़े हुए उन्हें उसको बोलेगा कि चलो तुम अभी लो यू नो लाइक समथिंग लाइक दैट तो हम जब वो देख रहे होते तो हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि अच्छा तो जब ड्रामे का मकसद इतना अच्छा है इतना इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो देट शुड भी कम्युनिकेटेड वो थोड़ा सा वॉटर डाउन होना शुरू हो जाता है जब ये चीज़ें हो रही होती हैं जब आप स्क्रिप्ट पड़ रहे होते हैं आपके जहन में ऐसा कुछ चल रहा होता है कि ये चीज़ होगा आप डायरेक्टर से सोचते हैं जाके बात करें या कुछ या आप कहते हैं कि नहीं अब डायरेक्टर ने ले लिया है मेरा काम है परफॉर्म करना आगे देखिए कई दफ़ा देखने वाले ना वही चीज़ कर बैठते हैं जो हम इंडस्ट्री के बारे में बुरी कहते हैं ओके okay. वो है टाइप कास्टिंग ठीक है हम लोग वो सानचे बना लेते हैं कि बाप ऐसे करेगा बेटी ऐसे करेगी क्या हम लोग नहीं जानते हैं कि इंसान की फितरत क्या है कोई भी कुछ भी कर सकता है सही बात है मैं शायद इसको देखने में कोई एक नॉर्मल स्वीट सा आदमी लग रहा हूँ हो सकता है मैं एक साइको हूँ अंदर से हो सकता है तो हर इंसान इतना डिफरेंट है एक दूसरे से कि वो उस सिचुएशन के हिसाब से अपनी बैकग्राउंड के हिसाब से अपनी अपब्रिंगिंग के हिसाब से उस उस सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से हैंडल करेगा तो हम लोग भी भूल जाते हैं कि हाँ भाई बाप ऐसे भी कर, करते हैं क्या हमने ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा बाप नहीं देखा जो नहीं। जो एक चीज़ पर आके खड़ा ही हो गया होता है तो मैं तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि जो इंसान के डिफरेंट टेक्स्चर्स या फ्लेवर्स हैं ये हाँ इस फ्लेवर का आदमी है लेकिन ये बाप अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है वो कहानी में आगे नज़र भी आ जाएगा हो सकता है बुरा कर रहा हूँ इसलिए हमें भी ये टाइप कास्ट नहीं करना चाहिए हम लोग यही समझते हैं कि वो वो कैरेक्टर ऐसे तो नहीं करेगा हाउ डू यू से देट आप नहीं कह सकते yeah. हिटलर कितना बड़ा एनिमल लवर था हम लोग नहीं जानते yeah. अब आप कहें एक तरफ वो छः मिलियन लोगों को मार रहा है yeah. अच्छा एनिमल्स yeah. को बड़ा प्यार कर रहा है yeah. तो वो हर इंसान की इतनी डिफरेंट साइड्स हैं yeah. कि हम उसको सांचे में ना डालें तो अच्छा है और स्पेशली एज एन एक्टर इवन ऑडियंस को मैं ये कहूँगा बजाय से कि ये से देख के कहानी को समझें और परखें कि बाप ऐसे नहीं करते नहीं भाई इधर उधर देखो हर आदमी क्या क्या कर जाता है आपको नहीं पता है तो वो कर रहा है वो देखो क्यों कर रहा है उसको समझने की कोशिश करो क्या सही किया नहीं किया वो जरूर जज कर लो बाद में लेकिन देखो कि वो क्या कर रहा है अच्छा ऐसे भी होता है वो एक बेहतर टेक रहेगी बिल्कुल लेकिन। आप सही कह रहे हो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि ऑडियंस भी और हम भी शायद कभी कभी टाइप कास्ट कर लेते हैं अस, होता है है। सिर्फ मेरे में सिर्फ कंसर्न ही होता है कि ऑलरेडी हम मैसेजेस पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो लेट्स नॉट मेक मैसेजिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड नॉट ये भी डाल लो ये भी डाल लो वो एक बाप की कहानी वैसे वो एक डिफरेंट बाप की कहानी बड़ी अच्छी हो जाती है जिस पे बाप पे इस तरह के बाप पे फोकस होता यहाँ पे हम ऑलरेडी अलीज़े शेरी नताशा लाइक like, बहुत सी चीज़ों के साथ हम डील करें जिस पर हम सोच रहे हैं तो फिर हमें एक और ये भी जहाँ बिकॉज हमें दिल ये था कि वी वॉन्ट दिस फादर टू बी जस्ट दिस फैसिलिटेट फॉर

मुझे खुशी होती है कि वो देख रहे हैं hmm. you know, so involved yeah. मेरे ने ये कर दिया या उसने ये क्यों किया आई लाइक आप पे पे आप तो बहुत हो रही मतलब कभी-कभी रोकना पड़ता है कि शेरी और नताशा में भी आ जाओ बहुत अब्बा में बात कर ah, okay, राह जनून में मुझे लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट मैसेज है कि किस तरह पेरेंट्स जब जो आपने भी बात की कि वो पर्सनल कनेक्शन ही है इसको तो हम एक डिफरेंट लेवल पे लेके आए जनूम में बट uh, शबरीज की पर्सनालिटी इज़ यू नो क्रिएटेड बाय हिज पेरेंट्स एक्शंस और वो थक्त? ये कि जब माँ बाप ख़ुद रियलाइज़ नहीं कर रहे Uh, कि उनकी डे टू डे एक्टिविटी किस तरह आपके बच्चों को इग्नोर हो रहे हैं अगर, hmm. अगर आपके बच्चे उसमें तो hmm. उसका क्या इफेक्ट हो सकता है hmm. जो वो उसका बचपन का भी दिखाते हैं वो एक्सरसाइज कर रहा है या वो आप सो वो आप के कुछ बोलता है, hmm. लड़ाई मुझे लगा वॉज अ वेरी क्रूशलट द्रामा वॉज कम्युनिकेटिंग बट देन अगेनिटी दैट वी आर गोइंग टून द For me, dilutes the message a little bit. बिल्कुल hmm. वो असल में बस बेहतर राइटिंग हो सकती है मेरा ख्याल में बहुत सारी पेरेंटिंग के के अराउंड जो चीज़ें हैं उस चीज़ को आ, बहुत सेंसिटिवली देखा जा सकता है hmm. कई दफ़ा हम लोग सिर्फ चीज़ों को यू you नो know, बड़ा दिखाने के लिए सेंसेशनल दिखाने के लिए थोड़ा सा एग्जैजरेट भी कर जाते हैं yeah. मेरा ख्याल में वो बारीकियां हमने लिखनी भी छोड़ दी हैं वो डायरेक्शन में भी कम आ गई हैं वो एक्टिंग में भी कम आ गई हैं हम लोग मोटा मोटा थप्पा काम करने के आती हैं एज अ नेशन अनफॉर्चुनेटली तो वो राइटिंग में चीज़ें इंप्रूव होंगी तो मेरा में एक्टर्स के लिए भी नया एक्सपीरियंस होगा कि हम इतनी एक्सट्रीम्स पर ना जाए जिस तरह राह जनू की आप बात कर रहे हैं वाकई उन पेरेंट्स की तो नज़र ही कहीं और है उनको तो मुझे लगता है नज़र भी नहीं आते हैं मैं अगर जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था मैं सोचता था कि यार मैं क्या का है, क्या ऐसी बात नहीं कर सकती yeah. कभी भी नहीं कर सकता और अगेन यही चीज मुझे एक्टिंग में अच्छी लगती है कि मैं कर पा रहा हूँ ये बातें ऐसा नहीं कर सकता और आ, उन चीज़ों का ना असर जो देखने में नज़र आता है मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट होता है कि हाँ वाकई ऐसे कई लोग हैं अगर लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं लोग वाकई ऐसा नहीं करना चाहिए यू कॉन्ट यू नो आप बच्चों को ट्रांसपेरेंट नहीं कर सकते कि आप उनकी तरफ़ देख रहे हैं लेकिन आप उनकी बात सुन ही नहीं रहे वो ऐसा नहीं होना चाहिए वो नज़र बच्चे पे गिरनी चाहिए वहीं पर रुकनी चाहिए उसकी बात को सुनना चाहिए वो शबरीस के पेरेंट्स में तो नहीं है बिल्कुल भी नहीं। ये एहतिशाम साहब रामजा को थोड़ा बताते नहीं है थोड़ा इंडिपेंडेंस और तमीजी में थोड़ा सा फर्क होना चाहिए इफ आई मे से सो इज रामजा रियली एन इंडिपेंडेंट गर्ल डू यू थिंक यू वुड वांट योर डॉटर टू बी लाइक दैट इज रामजा अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट गर्ल देखिए इंडिपेंडेंट इंसान सोच से बनता है उसकी सोच में तो इंडिपेंडेंस नजर आती है मुझे हाँ। uh, कई दफा हम जिस चीज uh, को परसू कर रहे हो लाइक इंडिपेंडेंस को उसमें तरीक़ा बुरा हो सकता है इंसान का गलत हो सकता है लेकिन वो जा उसी डायरेक्शन में रही है मेरा ख्याल मैं एज ए फ़ादर में ये कहूँगा अगर मैं एहतमाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूँ कि रमज़ा जा उसी तरफ रही है हाँ कई चीज़ें मैं देखा शायद बाप से उसमें आई हैं चीज़ों पर यू नो बेंड ना करना बहुत ही you know, खड़े हो जाना एक जगह पर अपनी सोच को ना तब्दील करना वो चीज़ें हैं जो शायद एहताम साहब में आई हों और शायद इतनी अच्छी ना हो उन चीज़ों को रमजा भी बेहतर कर सकती है यू you नो know? mm. वो अगेन वो उसका लर्निंग प्रोसेस है शाम साहब ने मेरा ख्याल में ये सोचा है कि mm. ये ख़ुद सीख जाएगी mm. मैंने इसको वो तमाम सेट ऑफ वैल्यूज़ जो मैं दे सकता था वो दी हैं नाउ इट्स हर थिंग कि वो इस चीज़ को लेके कैसे चलती है एज़ लॉन्ग एज शी वांट्स टू बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन वो शायद ये भी समझ जाए कि कई जगहों पे बेंड भी करना पड़ता है कई चीज़ें ज़रा से ग्रे एरिया में भी आ जाती हैं yeah. ये लोग ग्रे एरियाज में ना रहते नहीं हैं दोनों बाप बेटी ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में चलना पसंद करते हैं बट लाइफ हैज़ अ लॉट ऑफ ग्रेज इन एट हम अक्सर तो चीज़ें लाइफ में ग्रेज में भी जरूरी होती हैं तो वो इन दोनों को एज ह्यूमन बींग सीखने की जरूरत है मेरा ख्याल में अच्छा मुझे उसकी इंडिपेंडेंस इतना नहीं होता मुझे बस ये लगता है कि थोड़ा शाम साहब ना रामजा को बताएं तो रिस्पेक्ट से चीज़ों को डील क्या करें हर इंडिपेंडेंट लड़की को ना इंडिपेंडेंस इन गर्ल्स ज नॉट मीन दैट दे बिकम बदतमीज मेरा ये एक आपके तवस्त से आज मैं सुनने वाले जो कोई राइटर हैं या कोई भी क्रिएटिव कंटेंट क्रिएशन की टीम से सुन रहे हैं मेरा ये शिकवा रहता है कि इंडिपेंडेंट लड़कियों को हम बदतमीज़ ना दिखाएं तो मैं बहुत शुक्र गुजार होंगी। नहीं। नहीं। तो एहतम साहब से मैं गुजारिश करूँगी कि वो रामजा को थोड़ा सा सिखाएं कि अच्छे से प्यार से सहूलत से बात करने एक तरीका होता है हर चीज को हैंडल करने का वो हमें जरा आराम से आराम से मैं किसी बात पे बिलीव करना उसके लिए फाइट करना कंप्लीटली ओके बट इट्स द द वे यू आर डूइंग बिल्कुल it मैं मैं आ, एते शाम से कहूँगा कि रमज़ान जी बिल्कुल ये मेरा मैसेज आप एते साहब को पहुंचा दीजिए मैं ऑन पर्सनल लेवल अग्री करता हूं

मेरे जैसे व्यूअर्स के लिए डैमेज कंट्रोल बहुत दुआ कर सकता हूं मैं इसके लिए <laughs> अभी आजकल किसी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं आप चल रहा है कुछ शूट आपकी बिल्कुल मैं आ, दो सीरियल्स हैं जो कर रहा हूं एक की अभी शूटिंग हो रही है जिसके लिए मैं आया हूं कराची अच्छा एक जनवरी से स्टार्ट होगा और दोनों टेलीविजन प्रोजेक्ट्स हैं एक नाम ले सकते हैं आप अभी या बता सकते जो अभी कर रहा हूँ उसका नाम महरूम है ओके और दूसरा जो कर रहा हूँ उसका वर्किंग टाइटल है इसलिए उसका ना, नाम बता भी दूँगा फायदा कोई नहीं सही, okay. आ, वो चेंज हो जाएगा बाद में इन इन दोनों पे काम कर रहा हूँ लेकिन मैं एक अपने एक एक बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ okay. पिछले तीन चार which साल is, से विच इज अ फिल्म विच इज़ अ फिल्म इट्स बायोपिक रियल स्टोरी ये मैं नहीं बताऊँगा ये नहीं मुझे मेरा अंदाज़ा है कि अगले दो से ढाई साल में स्क्रीन तक पहुँचा दूँ ये मेरी ख्वाहिश है अंदाज़ा है, है। क्योंकि पिछले तीन चार साल से लगा हूँ मैं मैंने ये बड़े यंग एज से सुना था कि फिल्में जो है दे टेक ईयर्स सेवन ईयर्स टेन ईयर्स वगैरह मुझे लगता था कि इतनी क्या देर लगती है यार <laughs> मैं भी सोच <हुँ>। रहा <laughs> साल लेकिन जो वाकई इतने ड्रीम प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उनका एक बॉयलिंग टाइम होता है उनकी फिर आपको टेस्ट भी करना पड़ता है कि क्या वो जो उबाल आया हुआ था वो सबसाइड कर गया या नहीं okay. तो वो सब्साइड ना करे तो इसका मतलब है कि वाकई ये अच्छी अच्छी, अच्छी ज़ोर है ये अच्छी अच्छा ज़ोर है सारी चीज़ में तो वो मैंने देखा कि उसमें वो उबाल जो है अभी भी चल रहा है और बुलबुल आ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं तो मैं इसलिए उसको परसू भी कर रहा हूँ और अब जिस स्टेज पे आ गया हूँ वो ये है कि मुझे वो चीज़ बनाने के लिए राइट्स मुझे फैमिली दे रही है वो मेरे लिए ऑल दो पहला स्टेप है इन टर्म्स ऑफ आगे जाने के लिए लेकिन उससे पहले मैंने बहुत सारा काम कर लिया रिसर्च बहुत सारी की तो आई मैट इट और दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग विच जो मेरे मतलब एक्टिंग के करियर का या मेरे यू नो आर्टिस्टिक लाइफ का बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि एक uh, निचोड़ बंद के सामने आए mm -hmm. uh, जब आप रियल कोई स्टोरी कर रहे हो mm -hmm. तो आपको एक और तरीके से अप्रोच करना पड़ता है mm -hmm. आपको उस करेक्टर को स्टडी mm -hmm. करना है उसकी बॉडी लैंग्वेज उसकी लोग यू नो आपको मेथड एक्टिंग जिसे कहते हैं yeah. उसका एक ख़ास किस्म का एलिमेंट अपने में डालना पड़ता है एंड दैट रियली हेल्प्स व्हेन यू डूइंग अ रियल कैरेक्टर तो उस पर लगाऊँ और आई होप कि वो चीज़ ऑल दो सुनने में शायद लगती है कि इतनी कमर्शल चीज़ ना हो बट आई थिंक कि बहुत रियलिस्टिक चीज़ क्योंकि लोगों से कनेक्ट कर सकती है तो वो बेहद कमर्शल बन सकती है कई चीज़ें जो ह्यूमन uh, लेवल पे कनेक्ट कर जाएं, वो ग्लोबली कहीं पे भी लोगों से कनेक्ट कर सकती हैं okay. इसलिए उस लेवल पे uh, मुझे लगता है कि ये एक बड़ी कमर्शियल कहानी है जो मैंने पिक okay. की है, है. और आई होप व्हेन आई डू एंड अप मेकिंग इट पीपल पीपल कनेक्ट विथ विद दैट कैरेक्टर विद दैट स्टोरी विद द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट स्टोरी तो उस पर काम है वो मेरी ख्वाहिश है अल्लाह करे पूरी हो जाए। थैंक थैंक यू। नहीं बहुत मज़ा आया मुझे खुद एक अच्छा गुड क्वेश्चंस <laughs> really और so uh, मुझे कई दफ़ा ये लगता है कि बहुत प्री सेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपने जो पूछे <laughs> वो उस तरह के प्री no. सेट नहीं सो आई लाइक <laughs> Thank you for giving me this opportunity of connecting with people. Thank you. I know you have a busy schedule, but you a time. So we are grateful for that. And uh, we look forward to seeing you more on the screen. And best of luck for your project. Thank you. Thank Take you. Take care and a laugh.